बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु, श्री जियावर धाम के स्वामी श्री लालदास जी, तीनोपुरी बोल बोल पंजे, समस्त सुंदर प्रणाम। कदमों लाग करू सेजदा, पकड़ के दो पाया, हुकम करत है माशुक, बीच आसिक के दिल आ। माशुक तुम्हारी आंगना, तुम आंगना के माशु, ये हुकमे इलमे दृढ़ किया, हजूर क्यों न हो तटुकटु, हजूर क्यों न हो तटुकटु। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो शिलीला नित्य विया, शिलीला नित्य विया। बोलिए श्री प्राणनाथ, प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा सबसे प्रथम कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने देखा योग माया ब्रह्मांड में हम पहुंच तो गए, लेकिन आगे की जो लीला होने वाली है अभी अभी हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन कल का जो अंतिम का 10 मिनट का जो सुंदर सा जी समय था, उसमें जो मैंने प्रमाण देकर रासलीला का समझाया था, तो आज फिर दिल में बात आई कि नहीं, वो प्रमाण में दोबारा देकर थोड़ी ये बात को जोड़ दूँ, क्योंकि सबको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ धामधनी ने पहले से ही वेद कतेबों में लाखों लिखे निशान। धनी ने वेद कतेब में अपने हुक्म से लाखों निशान लिखे थे ना सुंदर साथ जी। तो कल जो अंतिम में हमने प्रमाण देखे थे, लेकिन थोड़ी जल्दी से प्रमाण सब एक साथ में बोल दिए, तो आज ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट इसलिए जल्दी से शुरू कर दिया है पहले ही सुंदर साथ जी। तो हम फिर आज थोड़ा वो अलग करके 10 मिनट में हम देख लेंगे, फिर हम योग माया ब्रह्मांड में जाएंगे, वहाँ कैसे अखंड रासलीला होगी, आनंद की लीला होगी, प्रेममय लीला होगी, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप शांति से बस समय की कुर्बानी दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो प्राणदार सुंदर साथ जी, 11 साल और 52 दिन की लीला जो ब्रजमंडल में हमारी पूरी हुई, ब्रजमाया कालमाया का ब्रह्मांड था, उसका लय करके धाम धनी ने अखंड योग माया जो बेहद भूमिका है, वहां जाकर जो बेन बजाई, बांसुरी बजाई, सब गोपिकाएं कैसे कैसे किस हालत में किस स्थिति में थी वो सब छोड़कर चली गई, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा आज विस्तार से स्पष्टीकरण करके देखेंगे। तो उसका जो प्रमाण दिया गया है सुंदर सा जी, 11 साल जब पूरे हुए कृष्ण जी के, तब उसने बोला के हे सखिया, हे गोपिया, तुम हमारे साथ चलो, आज हम रास रमण करने के लिए वृंदावन की ओर जाए। तब गोपिया ने बोला, अरे लाला, तू तो किशोर वय का हो गया, तू तो बड़े हो गए ना अभी, तू पर पुरुष है, तू कामी है, तू छलिए है, तू दुतारे है, हम भी बड़ी बड़ी गोपिकाएं हो गई, हमारी शादी विवाह भी हो गया, घर पे संतान प्राप्ति भी हो गई,
हम कैसे आप आए आपके साथ, क्योंकि घर की मर्यादा, परिवार का सब कुछ देखना, बच्चों को पालना, पति का देखना, ऐसे हम नहीं आते। आप तो ऐसे ही चलिए कामी हो, हम आपके साथ नहीं आती। तब बालाजी ने अंदर अंदर सोचा, अरे भूल गई क्या वो कुल जो वादा किया था मूल मिलाव में कि धनी हम आपको भूलेंगे नहीं। मैं बार बार मूल मिला की सुंदरसा जी इसलिए याद दिला रही हूँ कि बार बार वही घड़ी में जाओ, वही पल में, वही साहित्य में, वहाँ एक पल भी बीती नहीं है, वो पल में आप वहाँ ही पहुँच जाओ कि जैसे हम राज जी के चरण कमल से, जैसे जल से मछली बिछुड़ती है, अलग होती है, ऐसे हम धाम धनी के चरणों से हमारी सुरता इस जगत में लौटी, इस तरफ आई और ये मायावी खेल को जैसे देखने लगी, तो अपने यहाँ के घर संसार परिवार पति बालक ये सब कोई अपना मानने लगी और जो हमारा वास्तविक घर है उसको हम भूल गए। इसलिए धाम धनी बार बार मूल मिलावा की याद दिला रहे। तब सुंदर शाह जी हमने बोला, और माया की भी प्रबलता बढ़ गई थी, माया का भी जोर इतना बढ़ गया था, तो हमने राज जी को मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। धाम धनी ने 52 दिन जो एक हमारी वियोग की लीला चली, उसने हमको नहीं बुलाया, हमने उसको नहीं बुलाया। हमने कल देखा ना कि हमारी स्त्री अठ राज अठ बाल अठ योगी अठ, तो हम नहीं गए। 52 दिन के बाद सुंदर सात जी धाम धनी ने हद से परे बेहद जो योग माया ब्रह्मांड है केवल ब्रह्म, जो अपने बुद्धि का जो पाद है हुई अंतस्करण में, बुद्धि के बुद्धि में सुंदर सात जी वहां हम रास खेलने के लिए चली गई। धाम धनी ने बांसुरी में एक एक सखिया का नाम ले लेकर बुलाया, वो प्रमाण जो साक्षियां दी गई है अनेक धर्म शास्त्रों में, उसमें हमने सुंदर सा जी जो कल देखा था मैंने अभी भी बताया कि अंतिम में हमने थोड़ी जल्दी कर दी थी, इसलिए आज थोड़ी मैं दोबारा दोहरा रही हूं। तो पहले हम गुरुवाणी ग्रंथ साहेब गुरु नानक साहेब ने जो सिख लोगों के धर्म ग्रंथ है उसमें बताया है ऐसे आल मंदिर संहिता में भी बताया है, ऐसे प्रमाण भागवत में भी बताया है, ऐसे प्रमाण श्री प्राणनाथ जी की वाणी में भी बताया गया है। तो पहले हम आल मंदिर संहिता का प्रमाण देखे, उसमें धाम धनी ने अपने हुक्म से जो साक्षिया लिखवाई के तस्माद के कासम समा द्रिपस्या च दिनानी च कृष्णो ब्रजातु संदातो स लीला कृत्वा स्वमालयम। धाम धनी ने आलमंदर संहिता में बताया कि 11 वर्ष और 52 दिन की लीला के बाद हमने ये काल माया ये ब्रज वाले मंडल को हमने छोड़ दिया और हम योग माया ब्रह्मांड में पहुंचे। ये ब्रह्मांड ये अक्षर ब्रह्मांड से सर्वथा परे है, ये यहाँ नहीं है। मैंने कल भी बताया था सुंदर साथ जी, ऐसा प्रमाण भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में 4वें नंबर के श्लोक में भी बताया कि दृष्टवा कुमुद अंत मंडलम कुमुद अंत अखंड मंडलम रमानाभ नव कुमकुमारुणम वनम च तत्त कोमलम गोभिरज्जितम जगो कलम वाम दशा मनोहारम। ये धाम धनी ने भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में सुंदरसा जी 4वें नंबर के श्लोक में बताया। और एक प्रमाण और भी भागवत में बताया के भगवान अपि रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भागवत में और भी एक प्रमाण बताया, उसमें बताया सुंदर साहब जी
कि लक्ष्मी जी के मुख समान, जो विष्णु की अर्धांगिनी है ने, लक्ष्मी जी के मुख समान ऐसे सुंदर अखंड जो चंद्रमा, संपूर्ण जो आकाश शोभित हो रहा है, उसमें जो ऊग निकल आया है और उसकी कोमल जो किरणें हैं, वो आकाश और धरती के बीच में ऐसे प्रकाशित सुशोभित हो रही है, ऐसा सुंदर दिव्य वृंदावन की योग माया ब्रह्मांड में धामधनी ने जो सुंदर वृंदावन की रचना की और क्या किया, तो धामधनी ने ऐसे सुंदर स्वरूप धारण कर अपने अधूर पर बांसुरी धरकर ऐसे ही बजाई और एक एक गोपिका का नाम ले लेकर सब सखिया को, सखिया कौन थी सुंदरसा जी? हम थे ने, वो खेलने वाली कोई दूसरी नहीं थी। तो सब सखिया को बुलाया और सुंदरसा जी, मैंने अभी बताया कि गुरु ग्रंथ साहेब में भी प्रमाण दिया है कि पार जात गोपी ले आईया, वृंदावन माहे रमन किया, नीले कपड़े वस्तन पहने, तुर्क पठानी अमल किया। ये प्रमाण किसका है? गुरु ग्रंथ साहेब का। सिख लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी प्रमाण गुरु नानक साहेब ने दिया कि जैसे ही बांसुरी बजी तो सबसे पहले हिंदू तन में ये तन आया था। किस रूप में? कृष्ण के रूप में। जो बांसुरी बजाने वाली जो पार की शक्ति थी अक्षरातीत की, वो पहले हिंदू तन में कृष्ण के रूप में प्रकट हुई थी, उसके बाद उसने तन बदला। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब सिख लोगों को समझा रहे कि सिर्फ तन बदला तो नाम भी बदल जाएगा। समझ गए मेरी बात? ब्रज और रास में कृष्ण के नाम से लीला की, तीसरे दिन में मोहम्मद बन गए ना, नाम बदल जाता ना, शरीर बदलता, तो शरीर बदल गए ना, तन बदल गए। तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब ने समझाया कि वो मुसलमान मुस्लिम जाति में ऐसे पठान वेश में आया, कौन? मोहम्मद साहिब बनके। तो यही गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण दिया। यही प्रमाण सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की वाणी, धामधनी की वाणी, हमारी वाणी में यही स्वरूप, यही वृंदावन, यही जमुना तट सार, घर थी तीत, ब्रह्मांड थी अड़गो, तार तमे कीधो निर्धार। धामधनी ने क्या बताया कि सुंदरसा जी जो हमने रास खेलाने, वो रास इस ब्रह्मांड में नहीं, एक क्षर ब्रह्मांड जो 14 लोक अंतर्गत बना है, ये नारायण वाला ये ब्रह्मांड में नहीं, इससे परे जो बेहद का ब्रह्मांड है उसमें भी केवल ब्रह्म में खेला गया, और उससे परे जो दिव्य परम धाम है चार पाद से परे, वो दिव्य परम धाम में भी नहीं, दोनों के बीच, नहीं परम धाम में, नहीं इस ब्रह्मांड में काल माया के, दोनों के बीच केवल ब्रह्म में वही रास खेली गई। वो श्री प्राणनाथ जी ने वो भी प्रमाण धामधनी ने वाणी में भी, कलश में भी दिया। सुंदर सा जी, तो रास कहते हैं किसको? रास मैंने कल भी बताया था कि रास कोई ये तन का या शरीर का कोई थनगनाट या नीरत या नाचना या नृत्य करना, ये रास नहीं, ये शरीर का स्पंदन या हाथ का स्पर्श ऐसा वाला रास नहीं। सुंदर साजी, रास का जो भाव धनी ने बताया कि आत्मा और परमात्मा का एक रूपता का, एक रस का, परमधाम में क्या है? एक रस, वाहदत, एक दिली, आत्मा का परमात्मा के अंदर मिलन, एक रूपता, एक रस, ओतप्रोत आत्मा परमात्मा में अपना अस्तित्व विलीन कर दे, अपने स्वयं को मिटा दे। जैसे मैंने कल बताया था सुंदर साथ जी, और मैं आज आगे भी बताऊंगी कि योग माया ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में अखंड ब्रह्म, अक्षर के चार पाद हैं ना, उसमें अखंड ब्रह्म जो अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है, ऐसे केवल ब्रह्म में
अक्षरातीत पार ब्रह्म हमारे प्रियतम प्राणनाथ ने अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी और उसके अंग आह्लादिनी आत्माएं हम सब आत्माएं के साथ जो एक प्रेम के विलास की लीला की, किसके लीला की, प्रेम के विलास की लीला की, क्योंकि धाम धनी के दिल में जो अनंत प्रेम के सागर उमड़ रहे वो प्रेम उसने रामतो के रूप में कीड़ा के रूप में जो प्रवाहित किया वो रामत हम आगे देखेंगे, मैं पहले बताऊंगी कि किस रामत में। तो पहली रामत सुंदर साथ जी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहली रामत मारे वाले ये करी उमंग, वहाँ से लेकर वाले वेश लीधो रड़ी आमणो, मारे वाले ये करी उमंग हम ची खून दिए, उससे आगे हम आगे जाएंगे तो आँख मिचामनी कोनिया की, कुमलड़ा की, आंबा की, करताल की, गढ़ की, ऐसी कई रामतें हैं ना हमारे रासलीला में। मैंने बोला था ना कल के सुखदेव मुनि वर्णन नहीं कर पाए आगे रास का, तो वही रामत का जो वर्णन सुंदर साथ जी धाम धनी ने जो रास में किया वो रामत कोई ऐसे गढ़ में या करताल में या आंख में चामनी ने, ये जो रामत है वो ऐसे वाली रामत नहीं है, लेकिन धाम धनी ने अपने दिल का जो अनंत इश्क प्रेम था वो प्रवाहित करके कीड़ा या रामतों के रूप में सुंदर साजी जो लीला खेली गई वो रामत, यही उसको बोलते हैं रास। क्या बोलते हैं? रास। और हम आगे समझे तो ऋग्वेद का एक कथन है सुंदर साजी, ऋग्वेद में बताया कि यदग्ने श्याम अहम त्वम तम वाधा श्याम अहम, ऋग्वेद में बताया कि हे परब्रह्म, क्या बताया, हे परब्रह्म जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जा। ऐसा एक प्रमाण तैतृय उपनिषद में भी बताया कि रसो वेश रस, ये परब्रह्म कैसा है, ये प्रेम रूप है, ये रस रूप है, ये आनंद रूप है, ये सत चित और आनंद के स्वरूप है। तो ऐसा भी प्रमाण दिया। और सुंदर साथ जी मैंने कल भी बताया था, आज ये बात मैं आगे रखूंगी कि धाम धनी ने बेहद वाणी में प्रकाश गुजराती में बताया कि भागे जो कई पंचाध्याय रास वर्णन न हुआ तीन ताई, सुखदेव मुनि वर्णन करने के लिए तो गए लेकिन पंचाध्याय में एक भागे टूटे जो थोड़े से ही वर्णन किए, लेकिन पूरा अखंड ब्रह्मांड का, अखंड योग माया ब्रह्मांड का, महारास लीला का वर्णन वो नहीं कर पाए। ये धाम धनी ने पहले ग्रंथ रास में ये लीला रख दी। और सुंदर साथ जी और भी बात की मैंने कि पात्र विना तुम पामिया मुनि जी का करो दुख, आज लगे इन ब्रह्मांड में किन लिया है सुख। हे मुनि जी, क्योंकि परीक्षित ने प्रश्न कर दिए तो सुखदेव मुनि वहां अटक गए, लेकिन धाम धनी ने बताया कि हे सुखदेव मुनि, तुम इतना तो पात्र बन सके, इतनी तो योग्यता प्राप्त कर ली, क्योंकि बेहद का रस ऐसे प्राप्त नहीं होता। कोई बात नहीं, आप अंदर से शांति लो, आप अंदर से करार लो, क्योंकि पांच अध्याय में तो सुखदेव मुनि आपने वर्णन कर ही लिया, भले ही प्रतिबिंब लीला का किया। फिर धाम धनी ने वाणी में बताया कि मुनि जी, हमारा कागद तुम साथ आइया, खबर हद बेहद की तुम कर देकर पठाया। हे मुनि जी, हमारा कागद, हमारा पत्र, हमारी साक्षी तुम्हारे साथ आई ने। सुंदर सा जी, जितने भी शास्त्र आए नहीं संसार में, जहां जहां मेरे को बात याद आएगी मैं रखूंगी बीच में, वो सिर्फ धामधनी ने हमारे लिए पत्र भेजा है, साक्षी आए, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं, सिर्फ साक्षी है। पूर्ण ज्ञान क्या है? ये ब्रह्म वाणी है। ये पूर्ण ज्ञान क्या है? ब्रह्म वाणी है। क्योंकि अभी तक जितने भी शास्त्र इस संसार में आए, सतयुग से लेकर, वेदों से लेकर अंतिम कलयुग तक जो भी शास्त्र पुराण या वेद आए, जो भी ज्ञान आया, ये धाम धनी के हुक्म से लिखा होता है। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, ये धाम धनी से हुक्म से लिखा हुआ था, स्वयं धाम धनी ने नहीं लिखा है। समझ में आ गया?
धामधनी ने आदेश कर दिया, हुक्म कर दिया, तभी लिखा गया। लेकिन ये ब्रह्मवाणी है ना, जो पांचवा स्वसम वेद है, ये स्वयं राजजी ने अपने मुखारविंद से अवतरित आवेश शक्ति से लिखा हुआ ये पांचवा जो स्वसम वेद है, आत्म वेद है, कुलजब वाणी है। बोलिए श्री प्राणनाथ, क्योंकि स्वयं लिखा नहीं है राजजी ने, वो तो उसके हुक्म से लिखा हुआ है, ये स्वयं आके उसने वाणी लिखी है। सुंदर साथ जी और वित्तक साहेब भी लालदास जी महाराज के अंदर पांचों शक्तियां बैठकर, मैंने पहले दिन बताया था ना, पांचों शक्तियां बैठकर महामती की जो शोभा मिली लालदास जी को, आसबाई को, तो वो भी धाम धनी की वाणी है। हमारे संप्रदाय में ऐसे बे महान पवित्र जो धर्म ग्रंथ है, सबसे पहले स्वरूप साहेब वाणी और दूसरा ये वित्तक साहेब, ऐसे तो सब, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारी जो परम धाम की अखंड जो एक रस धारा प्रवाहित हुई, तो पांच शक्ति के साथ पहले महामती के धाम दिल में प्रवाहित हुई और छठे दिन में जो शोभा सबसे पहले लालदास जी महाराज जी को मिली, जाहिर में तो छत्रसाल को मिल गई थी। देखो राज जी, बारिश, यहाँ भी बारिश कैसी बरस रही है वाणी की, और ऊपर भी बरस रही ने दो तरह से। तो प्राणधार सुंदर साथ जी स्वयं धामधनी ने बात वाणी में लिखी है। सुखदेव मुनि सिर्फ हमारा कागज लेकर आए, पूर्ण ज्ञान कोई शास्त्रों में आया नहीं, स्वयं धामधनी ने यह पूर्ण ज्ञान लिखा। और अंतिम का जो मोहम्मद साहिब नहीं कह पाए थे वो ज्ञान भी सुंदर साह जी अंतिम में 30,000 जो मार्फती वचन थे वो भी ये वाणी में उतर गए। ऐसे तो 90,000 हर्फ जो उतरे थे वो उसमें से 30,000 जो सुंदर साह जी हकीकत के जो हर्फे मुक्तात कहे जाते हैं वो 30,000 जो मार्फत के थे सब वचन उतर गए। सुंदर साह जी हम आगे बढ़े, जैसे मैंने रास की बात आधी छोड़ी तो सुखदेव मुनि ने जो वर्णन किया, आपको कोई जो किसी को आपको कोई प्रश्न करे या पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि प्राणनाथ जी ने पूरा स्पष्टीकरण इस वाणी में कर दिया है। रास सुंदर साह जी, हम रास को समझने जा रहे हैं, तो रास उसको बाइबल की भाषा में क्रिश्चियन लोगों की जो बाइबल है उसमें अंजील कहा गया। क्या कहा गया है? अंजील। मैं सबका प्रमाण दूंगी यहां। ऐसे कुरान में सुंदर साह जी मोहम्मद साहब ने पहले से लिखा हुआ था कि जब हफ्से के बादशाह, सुनाई पड़ा है ना, हफ्से के बादशाह जब हफ्से पर बादशाह बनकर जब आएगा तो रास उतरेगी, अंजील उतरेगी। क्या उतरेगी? अंजील। तो हफ्से के बादशाह कौन है सुंदर साह जी? श्री जी कौन है? और यह भी कुरान में पहले से लिखा गया था बाइबल में कि मिस्री की ईंटें गिरेगी। मिस्री मतलब उसको हम साकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साकर बोलते हैं। मिस्री की ईंटें गिरेगी, तो वो लोग अभी भी राह दिख रहे हैं कि आकाश से मिस्री की ईंटें गिरेगी, तभी अवसर पर बादशाह बनकर आएगा। लेकिन सुंदर साह जी वो वाली बात नहीं है। हफ्से के बादशाह श्री जी जब हफ्से में आए, जब गए ना महिराज इंद्रावती जी, सुंदर साह जी तब जब वाणी उतरी तो हफ्से का बादशाह कौन है? अक्षरा ती धामधनी महिराज के अंदर प्राण नाथ। जब गए तब तो महिराज थे, लेकिन वापस आए तो प्राण नाथ थे, क्योंकि वाणी उतर गई ने, वाणी उतर गई। तो जो मिश्री की ईंटें और कोई नहीं, जो ब्रह्मज्ञान उतरा ने, ब्रह्मज्ञान परम धाम से अज्ञान तारूपी अंधकार को नाश करके आत्माओं के अंदर जो प्रकाश करने वाला जो ब्रह्मज्ञान उतरा वो मिश्री की ईंटें है। प्रणधार सुंदर साथ जी, अभी हमने जो बात आधी छोड़ी
कि रास का जो प्रमाण कहाँ कहाँ भी वहाँ हम है, कहाँ है रास का जो प्रमाण जो जो ग्रंथों में दिया गया है, चाहे कतेब हो चाहे वेद हो, दोनों की साक्षियां मिलान कर रहे ने, दोनों की साक्षियां की हम बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, जैसे बाइबल की बात की ऐसे कुरान में भी प्रमाण दिया, कुरान में दिया के जैसे अभी के जो अफ्रीका, अभी के अफ्रीका उसको इथोपिया कहते हैं, उसके जो एक बादशाह है, तभी की बात है मोहम्मद साहिब के समय की, तो मोहम्मद साहिब के साथियों ने अफ्रीका इथोपिया के हफ्से में जाकर सोलहवें पारे सूर्य मरियम के जब आए थे, गाने लगे, कौन मोहम्मद साहिब के साथियों गाने लगे, तो वहां के इथोपिया के जो बादशाह थे वहां के, वो सुनकर ऐसे ही विरह में डूब गए, ऐसे ही विरह में डूब गए। यही प्रमाण कौन है, ये प्रमाण पहले से ये घटित हो गया, ये तो एक यहाँ के राजाओं या जो जो पहले घटना घटने वाली थी यहाँ के पैगंबरों की, वो घट चुकी, लेकिन ये आने वाले भविष्य में किस पर घटने वाली थी, सुंदर साथ जी किस पर घटने वाली थी, ये हमारी वाणी के आधार पर श्री मिहिराज, जिसको हम श्री जी श्री प्राण नाथ बोलते हैं, वो हबसा में जब गए नवा नगर नौतनपुरी, तो वो विरह में डूब गए या नहीं डूब गए, मैंने बताया था ना 6 महीने तक वो विरह में डूब कर पूरे अपने हार्ड मास गाल दिए ना, गल गया, अंदर गल गया, सुंदर सा जी रक्त भी सूख गया उसका, हड्डी भी हवन जैसी बन गई। तो यह बात किस पर घटित होती है, वीरों में जब डूबे तो क्या उतरा, ये वाणी हमारी रास ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, खटृति और कलश की दो चौपाई उतरी। तो ऐसे प्रमाण उसमें भी दिया है सुंदर साथ जी, ऐसे हमने कई प्रमाण देखे। और अभी मैंने जो बात छोड़ी के जब वाला जी ने नित्य वृंदावन की योग माया ब्रह्मांड में जाकर रचना की, वहां जाके बांसुरी बजाई, क्योंकि वाला जी नहीं रह पाए, दूसरे दिन में भी पहले कौन गए हमसे, सिराज जी गए ना, हम गए नहीं, ये 52 दिन का बोला है, लेकिन सुंदर सा जी हम बोले भी नहीं, बात भी नहीं की, मिले भी नहीं, इशारा भी नहीं किया, नेत्र भी नहीं मिलाए, एक पल उसके बिना नहीं रह पाती थी, मैंने कल भी विस्तार से बता दिया है। और सुंदर साथ जी जब वाला जी ने योग माया ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई, ध्यान से सुनना आप, यहाँ कैसा समय है सुंदर साथ जी, तब संध्या का समय है, कैसा समय है, संध्या का समय है, ये काल माया, ध्यान से सुनना, काल माया ब्रज का जो ब्रह्मांड था वो दिन और रात्रि का था, वहां सिर्फ एक रात्रि है जो अखंड प्रकाशमय। मैं और आगे ले जा रही हूं आपको, जब बांसुरी बजाई तब यहां संध्या का समय था, वहां रात्रि का 12 बज गया था, वहां कोई समय की परिधि या समय की कोई मर्यादा, वहां समय कोई छे काल कोई है नहीं है सुंदर सा जी, कहां बेहद भूमिका में कोई काल की परिधि में बांधना ये वहां कुछ है नहीं, फिर मैं बताऊ आगे। जब बांसुरी बजाई धाम धनी ने, ये बांसुरी सिर्फ गोपियों ने तो सुनी, और लोगों ने भी सुनी, त्रिदेवों ने सुनी, देवी देवताओं ने सुनी, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सब ने सुनी, बालाजी ने जो वेण बजाई, ये चौपाई भी आएगी वाणी में जब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में, तब के बीजो श्रवण तणो गुण जान, बीजो श्रवण तणो गुण जान, सबने सुनी तो सही, लेकिन उसकी वो बांसुरी की आवाज सुनकर सखिया जिस स्थिति में थी वही स्थिति में दौड़कर सब परिवार को, बच्चे को, पति को, सब को छोड़कर निकल गई, सबने उसकी तान सुनी सिर्फ, सखिया को तो लगा कि अरे हमारे प्रियतम 52 दिन का हमारा जो उसके साथ बोलना नहीं हुआ है वही तो हमको बुला रहे,
चलो अब तो बस जाना ही है, क्योंकि वीरा की अवस्था पराकाष्ठा पर पहुंच गई, हद सी हो गई उसके लिए, क्या हो गया, हद सी हो गई सुंदर साथ जी। तो वो छोड़कर जब निकली, तभी पहले कौन निकली, पहले तामस्या निकली, फिर दूसरे नंबर पे कौन निकली, राजस्या, और तीसरे नंबर पे स्वातस्या निकली। वहां से बांसुरी बजाई, सबने सुनी, गणेश शिव महेश बोला ना मैंने, उसने सुनी, उसको ऐसा लगा कि भाई कोई कान आवाज आ रही है मीठी मधुरी बांसुरी की, लेकिन कहाँ की है, किस जगह से आ रही है, कौन बजा रहा है, उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं, लेकिन जिसकी थी वो जाएगी ना। तो यहाँ कौन आता, यहाँ कौन आता बांसुरी सुन के, ये बानी की बांसुरी तो बज रही ने, पहले तो धनी ने एक बांस की बांसुरी, लकड़ी की बांसुरी बजाई थी, आज धनी 400 साल से ये ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे। तो ये बांसुरी हर साल एक महीने जो हमारी पित्तक की परंपरा चलती है, तो ये बांसुरी सुनकर कौन आता है, जिसकी होती वो जाती ने, उसके दिल में घा लगता ने, उसके दिल में अपनी होती ने कि मेरे धनी बुला रहे है, मैं क्यों ना जाऊं, भले ही बारिश है, मैं रिक्शा कर कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो पक्का, क्या करेंगे हम, जाऊंगी तो पक्का ही पक्का मैं जाऊंगी। किसकी बात कर रहे हैं धनी, किसकी बात कर रहे हैं, संसार के लोगों की, क्या उसकी, हमारी बात, किसकी बात, हमारी बात। मैं आगे बताऊंगी जब सद्गुरु का प्रसंग आएगा ना, तभी मैं बताऊंगी क्या कहना है, नहीं आज नहीं कहूंगी, बीच में आज ही कहूंगी, लेकिन कल या आज कहूंगी, प्रसंग अभी नजदीक है ना। सुंदर साजी बांसुरी बजी, तो सखिया कैसे निकली, और आपको यह भी भाव आएगा कि एक प्रश्न भी खड़ा होगा कि पहले तामस्या निकली, दूसरे नंबर पे राजस्या निकली, तीसरे नंबर पे स्वातस्या क्यों निकली, ये एक साथ क्यों नहीं निकली, बांसुरी तो सबने एक साथ सुनी, लेकिन साथ में क्यों नहीं निकली, विचार तो सभी करते, आप भी विचार करते हो घर से निकलने के टाइम कि भाई आधे घंटे के जाओ, चलो देरी से जाऊंगी तो भी सुन लूंगी, सीडी में आता है, यूट्यूब पर आता है, वहां आता है, सोचते तो है ना हम भी। मेरे को आज दो फोन आया कि कोई बात नहीं दीदी, हम वहां नहीं आ सकते, हम आपका मोबाइल से सुन लेंगे। मैंने बोला वहां आना और मोबाइल में सुनना बहुत फर्क है। उसने बोला ये तो पक्का, आप अनुभव करोगी कि मोबाइल में सुनना या प्रैक्टिकल सुनना, किसी भी चर्चा हो, मैं ये नहीं कह रही मेरी मिस प्रशंसा की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की चर्चा प्रैक्टिकल सुनना, एक मुखारविंद के सामने सुनना, फेस टू फेस, और एक फेसबुक पर या यूट्यूब पर या वीडियो से सुनना, उसमें बहुत अंतर है। प्रैक्टिकल जो दर्द पैदा होता ने, जो अंदर का भाव, वो नहीं होता सुंदर साथ जी, वहाँ हमारा भाव टूट जाता, सामने वाला प्रतिबिंब है ना, ओरिजिनल नहीं है ना, समझ गए मेरी बात, प्रतिबिंब है वो, क्या है, प्रतिबिंब है सुंदर साथ जी, वीडियो में आ गया, तस्वीर में आ गया, बोलिए श्री प्राणनाथ। तो आपको एक प्रश्न खड़ा होगा कि तीनों आगे पीछे क्यों गई, तीनों आगे पीछे क्यों गई, मैं आगे आगे ले जा रही हूँ, आप सुनना ध्यान से। सुंदर साथ जी परम धाम में तो वाहिद थे, तो सबके अंदर कौन बैठी थी परम धाम की, आत्मा। तो आत्मा तो हम रोज ही बोलते हैं सुंदर साथ जी कि आत्म तो सौनी एक ज दिशे और जूझवाते दिशे, बोलते हैं ना कि आत्म तो सौनी एक ज दिशे जूझवाते दिशे दे, आत्मा तो सब सबके अंदर एक ही है ना, एक ही है, लेकिन तन अलग अलग है ना, मान लो ये दीदी का अलग है, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, लेकिन सबके अंदर आत्मा तो। मैं तीसरे दिन या चौथे दिन भी बताया था कि सुंदर सा जी परम धाम की जो आत्मा है, परम धाम की जो भूमिका है, परम धाम में हमारा जो दिल है, वहां तन मन दिल विचार खाना पीना सब एक है, उसको सच्चिदानंद आनंद की भूमिका बोलते हैं, मैंने बताया था ने। तो परम धाम की आत्मा ये गोपिका के अंदर भी बैठी है, तो क्यों आगे पीछे गई, सबके अंदर तो तन एक है, मन एक है, दिल एक है, बात एक है, विचार एक है, सब एक ही है, चाल एक है, तो भी आगे पीछे क्यों गई, क्योंकि सबके अंदर जो जीव बैठा हुआ था ने, उसका गुण स्वभाव कर्म, गुण स्वभाव और कर्म वो अलग अलग थे। मान लो मेरे अंदर है वो आपका गुण स्वभाव कर्म अलग है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो चित्त के संस्कार बने हैं, संचित अरब्ध और क्रियामन कर्म का जो है हमारा,
तू पूर्व जन्म के चित्त के संस्कार के गुण स्वभाव और जो कर्म है उसके आधार पर जीव का अलग अलग स्तर था। आपको एक और प्रश्न मेरे को अभी अभी याद आया, 400 साल पहले श्री जी के साथ सभी आत्माएं चली या नहीं चली, बन्ना पहुंची तो 5000 की जमात एकत्रित हो गई थी या नहीं, तो उसमें से 500 ने क्यों पहचान की, चलो ये बात भी छोड़ दो, उसमें से श्री जी के सामने सिंहासन पर बैठे बैठे श्री जी को जैसे ऐसे ही समाधि में गहन समाधि में डूबे हुए देखते समय थोड़ी आत्माओं ने क्यों तन छोड़ा, किसी ने दूसरे दिन, किसी ने तीसरे दिन, कोई महीने तक छोड़ते रहे, सबने क्यों नहीं छोड़ा, हम भी थे वहां जीव की तरह बैठे रहे ने, हमारे अंदर यह स्तर जीव का नहीं बना था। सुंदर साथ जी समझ गए मेरी बात, मैं बहुत गहरी कह रही हूँ, 400 साल के बाद भी अजी हमारे अंदर अभी हमारे अंदर यह स्तर नहीं बना है। सुंदर साथ जी जैसे सुंदर साथ ने यही पल में तन छोड़ दिया, किस स्तर पहुंच गए थे वो सुंदर साथ, धामधनी की पूर्ण पहचान हो गई थी, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते। तो जो जीव का जो स्वभाव है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रमाण दिया, मैं उस पर सेम सरखा नहीं, मैं समान नहीं कर रही हूँ, सेम नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जीव का जो स्वभाव और जो गुण है उसके आधार पर ये तीनों आगे पीछे गई। फिर मैं आगे बताऊंगी जीव का कैसे है। जब योगमाया ब्रह्मांड में जाएगी, वहां तो मैंने कल भी बताया था कि वहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार धरातल जो हमारा है गुणंग इंद्रियों का, वो धरातल के ऊपर अखंड योगमाया ब्रह्मांड में हम नहीं पहुंच पाते, वहां हमारी जहां इंद्रियां सीमित हो जाती, मन सीमित हो जाता, बुद्धि सब हमारा, जीव भी सीमित हो जाता, वहां आत्मा का धरातल पहुंचता जीव से आगे भी। तो सुंदर साथ जी वहां जीव कैसे पहुंचा, जीव के अंदर तीन गुण थे, सत्व रज और तमो, तीनों थे ने, तामसी राजसी और सातसी, तीन प्रकार की सखिया बोली ने, तो तामसी जो सखिया थी उसके अंदर जो जीव बैठा था उसके गुण के आधार पर उसको बोला कि वो पहले चले गए। जीव के गुण स्वभाव है, आत्मा तो परमधाम में वाहे दत्त में एक रस है, उसके अंदर कभी भी परिवर्तन कम ज्यादा होता नहीं है, आगे पीछे का उसके अंदर नहीं होता। सुंदर साथ जी तो आपको ऐसा लगेगा कि तामसिया मतलब ज्यादा अहंकार वाली सखिया, ज्यादा अभिमान या ज्यादा क्रोध वाली, नहीं ऐसा नहीं। जब उसने बांसुरी सुनी ने धामधनी की, जैसे बांसुरी जिस पल में सुनी ने वही पल में उस घड़ी में अपना सब कुछ समर्पण करके संसार परिवार घर बच्चे बालक पति को ठोकर लगाकर जल्दी से निकल गई ना, वही पल में उसको तामसी बोला। और जिसने लाज मर्यादा थोड़ी शर्म निभाई कि भाई कैसे जाए, वो सखिया स्वातसी सखी, जीव का स्वभाव में बोल रहे गुण, और जो बीच वाली है ना, लाज मर्यादा शर्म भी निभाई और आगे दौड़ने में थोड़ी देर भी कर दी, वो बीच वाले स्वभाव वाली है, गुण वाली है, वो राजसी। ऐसे तीन प्रकार वाली सुंदर साथ जी सखिया है। तो ऐसे जब यहां से निकली, तो मैंने अभी बोला कि यहां संध्या समय था और वहां रात्रि का 12 बजने वाला था, यह भी मैंने बोला कि यहां से जब सखिया निकली तब इतना शोर था, इतना शोर गोकुल गांव में ब्रजमंडल में था, क्योंकि संध्या समय क्या होता उस टाइम के, क्या लीला होती, जो किसान लोग अपना बैलगाड़ी लेकर जो खेत में गए होते वो वापस लौटते ने, गाय बछड़े भी वन में गए होंगे वो भी वापस लौटते सुंदर साजी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सुंदर साजी धामधनी जैसे वापस लौटते उस टाइप में धामधनी ने क्या किया, जब जंग वन में से वापस लौटे तो सबको आगे कर दिया, क्या कर दिया, ये बात को यहाँ हम जोड़ दे क्योंकि आगे जाना है ने, ये बात को इसलिए मैंने अंतिम में जोड़ी। बलराम सीतामा जो गोपाल के साथ में थे वनों से जब वापस लौटे तो सबको, कल्याण जी सबको बोले कि तुम आगे चलो, मैं जो पीछे वाला गाय बछड़े है सबको मैं लेकर आ रहा हूं। तो कल्याण जी ने बोला कि भाई मैं आ रहा हूं, तो उसने बोला नहीं आप निकलो, तो फिर बलराम जी पीछे रह गए, तो बलराम जी को बोला कि तू भी भाई आगे चले जा,
मैं भी पीछे सबको लेकर आ रहा हूँ क्या गाय बछड़े सबको। तो उसने बोला कि चलो तो हम आगे चले, तो सब आगे निकले। कृष्ण जी को क्या करना था, हो वृंदावन में रुक गए। वृंदावन में रुक कर कदम या वृक्ष के भागवत में वर्णन किया है, वो पेड़ पर चढ़कर ऐसी मधुर वाणी बांसुरी में छेड़ी, ऐसी मधुर आवाज छेड़ी सुंदर सा जी के गोपिकाए, तो सबको भागवत में तो सुखदेव मुनि ने वर्णन लिख दिया। मैंने कल बात जो आधी रखी थी सुंदर सा जी यहां मैं जोड़ देती हूँ कि सुखदेव मुनि ने भागवत में लिखा कि जैसे बांसुरी बजाई तो सब गोपिकाएं अपने अपना घर छोड़कर निकल गई। बहुत सुंदर मनोरम वर्णन किया, इतना विस्तार से सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है। और जो योग माया ब्रह्मांड बना वो इतना कल्पवृक्ष, यहाँ इतने कल्पवृक्ष है। तो कल मैंने कल्पवृक्ष की एक व्याख्या परिभाषा भी की थी कि कल्पवृक्ष कहते हैं किसको। कल्पवृक्ष इसको कहते हैं सुंदर सा जी कि जिस वृक्ष के नीचे खड़ा रहने के बाद हमारे अंदर जितनी भी इच्छा पैदा हो, जितने चीज की और जितनी महंगी चीज की, जितनी बड़ी बड़ी चीज की इच्छा पैदा हो, वो इच्छा के साथ ही सीधे ही तत्काल वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाती, प्रकट हो जाए, उसको बोलते हैं कल्पवृक्ष। तो वो सुखदेव मुनि ने भागवत ने वर्णन तो किया, लेकिन वो कल्पवृक्ष मैंने कल बात जो जल्दी जल्दी से बताई थी आज मैं विस्तार से बताऊंगी कि वो कल्पवृक्ष यहाँ के जो गोकुल मथुरा है, जो वहाँ वृंदावन बताया है, वो वृंदावन में एक भी कल्पवृक्ष नहीं है। ये वृंदावन अखंड भी यहाँ का नहीं है, क्योंकि भागवत में भी सुखदेव मुनि ने बता दिया कि एक दिन महाप्रलय में नाश हो जाएगा। और उसको इसलिए पता नहीं लगा कि वाणी उतरी नहीं थी, श्री प्राणनाथ जी ने बताया, कल भी मैंने बताया था, उसको इसलिए नहीं पता लगा कि जो ये लीला को 11 साल, और ध्यान से सुना अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ, 11 साल और 52 दिन की लीला के बाद ब्रजमंडल का लय कर दिया ने, तो यहाँ जो गोपिकाएं उठी प्रतिबिंब की लीला में, उस गोपिकाओं को पता नहीं होगा ने, क्योंकि उसका तो लय हो गया था, उसका तो लय हो गया था सुंदर सा जी, तो उसको कैसे पता लगे। फिर हम मान लो कि लय नहीं मानेंगे, गोपिका जो यहाँ उठने वाली जो रास खेलने वाली थी वही यहाँ उठी ये मानेंगे, तो मान लो व्रज वाले कृष्ण रास में हो गए, तो एक ही ओर हम यह समझ रहे हैं कि व्रज वाले कृष्ण तो रास में गए नहीं, व्रज वाले ने तो छोड़ दिया ने तन, 11 साल के बाद 52 दिन के बाद यह तन तो व्रज में छोड़ दिया, उसके बाद तो योग माया ब्रह्मांड में गए, क्योंकि वहाँ कोई स्थूल भारी पदार्थ ऊपर जाता नहीं है, वहाँ तो कौन जाती, सूक्ष्म आत्मा या आवेश शक्ति जाती है। तो ये स्वरूप तो यहाँ जो धारण किया था ये तन तो यहाँ कालमाया ब्रह्मांड में छोड़ दिया, लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब लीला हुई और हम मूल तन में परात्म में जगी, और यहाँ प्रतिबिंब में जो वेद रुचाए, और 24,000 जो कुमारी का कात्यानी देवी ने व्रत कर रही थी ना, कात्यानी देवी के व्रत कर रही थी वो गोपिकाएं यहाँ 24,000 आई, और 12,000 जो वेद की रुचा अव्याकृत के महाकारण और शबली के स्थूल में वेदों ने जो वेदों का जो स्थान है उसने हमारी प्रतिबिंब, हमने जो लीला खेली वो सबली के, मैंने कल बोला था ने कि हमारी ब्रज की लीला सबली के कारण में अखंड हो गई और रास की लीला सबली के महाकारण में अखंड होगी, तो उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण और सबली के जो स्थूल है उसमें वो प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो प्रतिबिंब किसने देखा, मैंने कल बताया था आज मैं इसलिए दोहराया, वो देखा वेद रुचा सखियाओं ने, किसने देखा, वेद रुचा सखियाओं ने, तो उसने माधुर्य भाव प्रेम भाव की उसने भी एक मांग की कि हमको भी ये प्रेम रस में माधुर्य भाव में डूबना है, तो वेद की रुचाओं को भी धनी ने आज्ञा कर दी, तो 12,000 वेद की रुचाएं आई, वो 24,000 कुमारी का सखिया यहाँ उठी, लेकिन यहाँ उठी तो सुखदेव मुनि ने क्यों नहीं बताया, ये मैं आगे स्पष्टीकरण कर रही हूँ। और भागवत के ऊपर श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में स्पष्टीकरण किया कि जब सुबह को उठी
तो गोप बालकों के साथ रात को सोई, जब रास खेल के वहां से आई तो गोप बालको जब सुबह को उठे तो उसके पास में उसने पथारी में अपने बेड में सोया हुआ देखा सखियों को, तो उसने मान लिया कि कोई बात नहीं, रात को रात्रि को रास खेलने के लिए गई थी और वहां से वापस लौट कर हमारे पास आके सो गई है। पता ही नहीं रख वो ब्रह्मांड का लय हो गया, वो सुरता है तो परमधाम वापस लौट गई और यहाँ उठने वाली तो 24,000 कुमारी का और 12,000 वेद रुचाए है, वो पता सुंदरसा जी भागवत में किसी को नहीं लगाई है। प्राणनाथ जी की वाणी ने बताया सुंदर साथ जी, तो यहाँ जब उठी तो कल्प वृक्ष तो मैंने अभी बताया कि यहाँ है ही नहीं, और सुंदरसा जी यहाँ उठने वाले जो गोपियाँ उठी वहाँ से सीधे यहाँ रास शुरू हो गए, और उसके बाद 11 दिन की गोकुल लीला और मथुरा की लीला होगी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ ये बात जोड़ दी। तो सबसे पहले कौन दौड़ी सुंदरसा जी योगमा ब्रह्मांड में, तो धाम धनी ने रास ग्रंथ में 5वें नंबर के प्रकरण में बताया कि एने पगले आपन चालिए पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी, पहले फेरे आपन जिम निशरिया ते चिताणी रंग मानो सुंदर साथ जी, पहले फेरे आपन जिम निशरिया ते अंदर चिताणी रंग मानो सुंदर साथ जी। वही प्रकरण में आगे बताया के शरद निशारे पुनम तणी आवियो ते आसो मास, सकल कनानो चंद्रमा जेनी रजनीए कीधो रास। शरद निशारे पुनम तणी आसो मास नी शरद पूर्णिमा नो पूर्णिमा का दिन था, उस दिन यहाँ संध्या का समय था, बालाजी ने बांसुरियां बजाई और वहां रात्रि का 12 बज गया था, और पूरा पूर्णिमा अपने पूरा पूर्ण प्रकाश के साथ आकाश और जिमी में प्रकाशित हो रहा था सुंदर साथ जी। तो सखिया जिस टाइम पे 24,000 कुमारी का और 12,000 ब्रह्मात्माओं ने तन छोड़ा गोकुल में ब्रजमंडल में ऐसा काल माया के, तो आप सोचिए 36,000 का एक ही भूमि पर एक ही ब्रजमंडल में एक ही गोकुल गांव में 36,000 का तन छुटा, कितना निर्जीव तन वहां पड़े होगे, तो कितना शोर हुआ होगा तभी उस टाइम पे आप सोचिए। तो क्या गोप बालकों ने क्या कुछ किया नहीं होगा, समझ गए मैं एक भेद बताने जा रही हूं। उसका देह संस्कार का कहीं भी वर्णन किया गया नहीं है सुंदर साजी, इसलिए सुखदेव मुनि बता नहीं पाए कि मान लो एक बार उसका तन छूट जाता तो देह संस्कार की विधि का तो कोई जगह वर्णन होना चाहिए ने। 36,000 ने एक साथ तन छोड़ा तो निर्जीव तन के कितने ढेर किए होंगे, लेकिन कहीं भी देखा नहीं, तो सुखदेव मुनि ये भी वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन प्राणनाथ जी ने बताया कि ऐसे कैसे निर्जीव तन दिखाई पड़े, क्योंकि ब्रजमंडल का तो लय हो गया था और आत्मा तो परमधाम में योगमय ब्रह्मांड में पहुंच गई थी, तो ये वर्णन भागवत में बता नहीं पाए, ये श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्टीकरण इस वाणी में कर दिया। और आगे हम चले तो सुंदर सा जी पहले तामसिया निकली, तो तामसिया धाम धनी के प्रेम में अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण करने वाली तामसिया पहले पहुंची, और बीच वाली सखिया जो लाज मर्यादा और संपूर्ण प्रेम के बीच वाली सखिया राजसिया चली, और अंतिम में स्वातसिया निकली। तो धाम धनी ने आगे यही प्रकरण में बताया सुंदर सा जी के क्या बताया उसने के राजस्यो जारे जब आगे हो गई, तामसियो जब आगे हो गई तो राजस्य न मुक्यो तेहनो केड़, गुजराती में क्या बताया राजस्य न मुक्यो तेहनो केड़, जैसे पहले तामसिया चली गई लेकिन राजस्यो ने उसका केड़ उसका पीछा छोड़ा नहीं, उसको ऐसा लगा थोड़ा कि अरे हम इतने दिन की जुदागी हमारी और उसके बीच की
52 दिन की जुदागी, ऐसे हम सीधे सीधे कैसे निकल जाए? चलो ने थोड़ा सिंगार सज ले। तो धामधनी ने 5वें नंबर के राश के प्रकरण में बताया कि किसी ने उल्टा सिल्टा सिंगार कर लिया, आंख का अंजन, कहां अंजा, गाल में, और गाल का कान में आभूषण, सुंदर सा जी ऐसे मान लो कि कान का आभूषण पैर में पहन लिया और पैर का कान में पहन लिया, ऐसे उल्टा सुल्टा सिंगार सजा, क्योंकि धामधनी के पास जाना था, ऐसा सोचा। तो सुंदर सा जी ये भी निकली, लेकिन थोड़ी देर हो गई, लेकिन क्या हुआ, तामसियों का पीछा छोड़ा नहीं। पीछे जब स्वातसियों को पता लगा कि अरे सब निकल गई, मैं ही पीछे रह गई, क्या सुनने में 3:30 या 4 बज गए। चलो आज बारिश थी तो थोड़ी हम देर से, पर लेकिन जाना तो है ही है, क्योंकि आज का हमारा प्रसंग छूट जाएगा, लेकिन पीछे से भी मैं 4 बजे भी पहुंच जाऊंगी। यही किसने सुंदर सा जी सोचा, स्वातसी सखियों ने अंदर से सोचा कि नहीं, भले ही सब सखियां निकल गई, तामसिया और राजसिया, लेकिन हमको तो जाना ही जाना। लेकिन उसको जब अंदर से पता लगा, निकलने की तैयारी की, तो घर परिवार, पति सासू ससुरा सबको पता लग गया कि हमारी जो घर की जो पत्नियां, वो सब जो महिलाएं, वो सब निकल रही है। तो उसने घर बार दरवाजा बंद कर दिया, थोड़ी लाज मर्यादा निभाई सुंदर सा जी, थोड़ी संकोच भी किया, और घर परिवार थोड़ी देर कर दी तो घर परिवारों ने रोक लिया। तब धामधनी ने वाणी में बताया कि दिक दिक पड़ो आ संसार ने, कान उठे रे अगिन, विरह तामस बेगा थया, थ्यारे अंगड़ा थया रे पतन। क्या बोला, दिक दिक पड़ो आ संसार ने। सुंदर सा जी, जो हमारी बीच जो बाधाएं डालता ना संसार वाले लोग, जो भी हो, ये किसकी बात है? मैं कभी भी घटनाक्रम नहीं कहूंगी, प्रसंग कहने के लिए मैं यहां बैठी ही नहीं हूं, परंपरा वाली वित्तक में नहीं कहती हूं, समझ गए मेरी बात? मैं हमारे पर प्रैक्टिकल कैसे घटेगा, हमको प्रैक्टिकल कैसे रहना है, 400 साल से हम कैसे रह रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे पर घटाना क्या करना है। मान लो मैं वो स्वातस्यों पर घटाती रहूंगी, राजस्यों पर हमारे पर कभी घटित होगा, समझ गए मेरी बात? हमारे और धनी के प्रियतम के बीच में कोई बाधा डाले तो सातस्यों ने क्या बोला, दिक दिक पड़ो यह संसार, दिक दिक है संसार को, उसको क्यों नहीं अग्नि उठती, मेरे और प्रियतम के बीच में बाधा कर रहे हैं क्या? मैं प्रियतम को मिलने के लिए जा रही हूं, मेरे को आपका तो मेरे शरीर के साथ संबंध है, मेरी आत्मा के साथ आपका संबंध नहीं है। आपको क्या सोचना, क्या बोलना, कि आपका मेरे शरीर के साथ संबंध है, मेरी आत्मा का तो संबंध प्रियतम के साथ है, मैं तो वहां जाऊंगी 20 तारीख तक। बोलिए श्री प्राणनाथ, क्या बोलना सुंदर साथ जी, 20 तारीख तक तो मैं जाऊंगी, आप जितना भी रोक लो मैं रुकूंगी नहीं सुंदर साथ जी। तो धामधनी ने यह बताया और वहां पहुंच गई ऐसे सुंदर सा जी। तो तन तो यहाँ उसने यह भी बोला पति को कि मेरा तन की आपको जरूरत है ना मेरे, तो आप ऐसे करो मेरे तन को आपके घर में रख लो, लेकिन मेरी सुरता तो वहां पहुंच ही जाएगी। तो ऐसे तीनों सखिया कहाँ पहुंच गई सुंदर सा जी, योग माया ब्रह्मांड में। लेकिन याद कीजिए हमने बालाजी को क्या बोला था वहां, जब गोकुल में ब्रजमंडल में 11 साल पूरे हुए तभी क्या बोला था? नहीं आप नहीं समझे, मैं समझाऊंगी आपको। किसी ने 5 महीने या 5 दिन पहले किसी ने कोई कटु वचन या ऐसे वचन कह दिए, या 20 साल पहले, चलो ने ये भूलते हैं आप, कभी भी भूलते हैं, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक ये बात जब हम वापस नहीं उसको कहते तब तक शांति अंदर होती, कभी मिलन कभी मैं उसको वापस बोल दूं, ऐसा अंदर विचार होता ने। धामधनी की बात इतनी गहरी नहीं चुभती ना, जो राज्य की बात इतनी गहरी चुभती ने सुंदर सा जी, हमारी जागनी कब बहुत टाइम पहले हो जाती, बहुत टाइम बिता दिया हमने, जो चुभाना चाहिए ना राज्य का स्वरूप है,
राज्य की लीला, परमधाम, 25 पक्ष, हमारा परातम, हमारा श्रृंगार, हमारा नूरी तन, मूल मिलावा, ब्रज की लीला, रास की लीला, यह चुभानी चाहिए। संसार के वचनों को क्यों चुभा कर क्या करेंगे? उससे तो आपका क्या होगा, नुकसान ही तो होगा, उससे कुछ मिलने वाला फायदा नहीं होगा, उससे हमारे अंदर घाव पड़ेंगे। संसार की गंदी बातों, बुरी बातों को छोड़ो ने, उसको याद करके हमारा भी बुरा हाल हो जाएगा, ये करना ही नहीं है। बस जो भी कहो हमारे अंदर, बस धैर्य रखो, सहनशीलता रखो, संसार को जो करना हो करने दो बस। मैं आगे आपको बात बताऊंगी जब प्रसंग आएगा तभी। तो वहां जो धामधनी ने बोला था, धामधनी ने वही भाव से नहीं बोला है, धामधनी तो बहुत गहरे भाव लेकर बोला है। वो तो सुंदर सा जी जागृत बुद्धि के स्वरूप है, वो तो नूर बुद्धि के स्वरूप है, ये थोड़ी सपने की बुद्धि लेकर बैठे है ऐसे बोल देंगे, समझ गए मेरी बात? वो थोड़ी सपने की बुद्धि लेकर बैठे है, उससे बुद्धि तो हमारे अंदर आती है, तभी तो ये दो वचन या कहने की शक्ति आती है अंदर। वो तो जागृत बुद्धि के स्वरूप है। उसने बोला, अरे तुम आ गई क्या? बस यहां योग माया ब्रह्मांड की जो किनार है, जो दिव्य नुरी ब्रह्मांड की रचना जो केवल ब्रह्म में हुई, मां तट पर सुंदर सा जी सब सखिया ऐसे ही तीनों सखिया पहुंच तो गई, स्वातस्य का शरीर वहीं छूट गया। सुरता उस दोनों से आगे पहले वो पहुंची, कौन पहुंची? स्वातस्या पहुंची, क्योंकि यहां से तो सुरता से जाना है सुंदर सा जी, तन से जाना नहीं, किससे जाना है? सुरता के माध्यम से जाना है। तो दोनों से पहले कौन पहुंची? स्वातस्या पहुंची। और वहां धामधनी ने बोला कि आप खड़े रह जाओ। और बोला के सखिया, भागवत में भी उसका बहुत सुंदर प्रमाण दिया है, वर्णन भी किया है। और बोला कि सखिया, अरे रात्रि के समय आप यहां कैसे आई, क्यों आई, यहां क्यों आना हुआ आपका, क्या कारण है यहां आने का आपका? और भागवत में भी ये वर्णन किया सुखदेव मुनि ने, स्वागतम महाभागो प्रियम की करवाणी। भागवत में क्या बोला? स्वागतम महाभागो प्रियम की करवाणी। हे महाभाग्यवान सखियाओ, तुमको स्वागत है इस योगमाया ब्रह्मांड में। भागवत में सुखदेव मुनि ने बोला, हे महाभाग्यवान सखिया, तुमको स्वागत है इस योगमाया ब्रह्मांड में, आप आई, लेकिन आपका आना ऐसे रात्रि के अंधकार में, आप तो पतिव्रता स्त्री होने, ऐसे पति को छोड़कर 3:30 से 5:30 बजे तक यहां, कोई बात नहीं, तो दिन है रात्रि, बोलिए श्री प्राणनाथ, रात्रि को यहां क्यों आना हुआ आपका? आप पतिव्रता स्त्री। और आगे बताया, हे सखिया, तुम घर परिवार बच्चे पति सब को छोड़कर आई, क्या आपका पति राह नहीं दिखता होगा, क्या आपके बच्चे रोते नहीं होंगे आपके बिना, आप जाओ रात्रि में अंधकार में आप क्यों आई, क्या सब व्रजमंडल में कुशल मंगल तो है ने? क्या पूछा? सब व्रजमंडल में कुशल मंगल तो है ने? कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी ने? क्या आपको वृंदावन देखने की इच्छा हुई? क्या यह वृंदावन देख क्या प्रसन्न हुई हो? क्या वृंदावन देखना इसलिए आप आई हो क्या? कितने सवाल किए राज जी ने, आप अभी सुनना, जितनी बातें की उतनी वापस तो मिलेगी मिलेगी, कभी भी यह दोबारा भूल मत करना। मैंने एक दिन बोला था, गुफा में भी जाकर हिमालय की कंदराओं में या गिरनार की अंदर सोचेंगे ना वो धनी, अंदर जो भी सोच लेने वो धनी, तो तन की मन की दिल की सब चोरी वो जान लेंगे, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहेगा सुंदर साथ जी। उसने बोला कि जाओ, अरे रात्रि के ये भयंकर निशा और भयंकर पशु पक्षिया और ऐसे निशाचारी जीव, बड़े बड़े
जो प्राणी है उसकी आवाज सुनकर आपको क्या भय नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? ये रात्रि के समय को आप आ गई, आप जाओ रात्रि के समय। यहाँ पतिव्रता स्त्री जो कुलवंती नार होती ने, वो कभी भी पति को छोड़कर रात्रि को कभी भी बीतक सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए नहीं जाती। आप घर परिवार में मस्त रहो। धामधनी ने क्या बताया सुंदर साजी, तभी रात्रि को क्यों आई? फिर आगे बताया कि सखिया मैं तो पर पुरुष हूं ने, आपने बोला था मैं तो कामी हूं, निर्लज हूं, छलिया हूं, दुतारा हूं। आपने अपने पति को या संसार के पति को छोड़कर ये पर पुरुष के पास क्यों आई? कोई पतिव्रता स्त्री पर पुरुष के साथ जाती है क्या? क्या बोला बालाजी ने, क्या बोला? उस किस्से से, उस प्रसंग से क्या समझना है सुंदर साथ जी, क्या समझना है? हमारी आत्म के प्रियतम कौन है? प्राण ना तो अक्षरा तीत। पहले प्राथमिकता किसको देनी है? अक्षरा तीत को, पहले धाम धनी को। फिर आगे बताया कि हे सखिया वेद पुराण की मर्यादा आपने उल्लंघन कर दिया क्या? सखिया तो अंदर से चौंकित हो गई, अरे। फिर आगे धनी ने बताया तो सखिया ने बोला कि धनी बहुत भाषण दे दिया, बहुत प्रवचन कर दिया, आप बंद हो जाओ तो हमारी बात हम रखे। धनी ने बोला बहुत बातें करनी है, कितना तो मैं कहूंगा ना आपको। क्या बोला आगे? अभी तो मेरे को वेद शास्त्र के प्रमाण देना है आपको, जो वेद शास्त्र में प्रमाण लिखा है ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो लिखा है तो उसने ही। लेकिन गोपिया को सब, गोपिया तो हमारी जैसी बोली भाली थी ने, बेनियास पहले थी ने परमधाम से ही। अरे वेद शास्त्रों में सखिया लिखा है कि जो पति वही जन्म से भव रोगी, जन्म जन्म से भव रोगी, अनेक जन्मों से रोगी, असाध्य रोग ऐसे हो तो भी सुंदर साथ जी यहां नहीं आते, यहां नहीं आती। सुंदर साथ जी और आगे बताया कि जो पति होई कोढ़ी या अपंग असहाय तो भी, पतिव्रता जो स्त्री होती है रात्रि के समय कुलवंती नार कभी भी पति को छोड़ के यहां नहीं आती। और भी बताया कि पति जो होई मूर्ख, पति वही जो अजान, पति वही जो गरीब या निसहाय या धनवान भी ना हो तो भी पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को छोड़कर कभी भी आती नहीं। सुंदर सा जी सखिया कैसे आई थी हम आगे लेंगे। अंदर सोच रही कि हम किस हालत में निकली है, किस हालत में निकली है। मैंने अभी भी बताया कि जिस स्थिति में थी, किस स्थिति में थी, वो वहां याद कर रही है, वो वहां याद कर रही है। सुंदर साजी कहीं कई बातों को मैं बीच बीच में छोड़ दे रही हूँ, फिर राज जी याद दिला रहे, क्योंकि 4:30 बज गया, आज और भी लीला लेनी है मेरे को। कि कोई स्तनपान करा रही थी, वहां याद करी कि हम किस हालत में ये छोड़ कर आए। कोई पति को लोटे से जल से नहला रही थी वो छोड़ कर आई, कोई ससुर को खाना खिला रही थी तो थाली को पाटू ऐसे ठोकर लगा कर आ रही है, सुंदर सा आई है तो ऐसे किस हालत में निकली है सुंदर सा जी सखिया? तो वहां याद कर रही है कि अरे धाम धनी ऐसे वचन तो मत बोलिए ना, हमको व्यथित क्यों कर रहे, हमको दुखी क्यों कर रहे, ऐसे वचन हम नहीं सुन पा रहे, ऐसे हम वचन सुन के हम बहुत दुखी हो रहे हैं धनी, ऐसे वचन तो मत बोलिए आप, ऐसे हम किस हालत में निकली, वो तो हम छोड़ कर आई और यहाँ आने के बाद भी आप ऐसे वचन बोल रहे हैं, ये आपके लिए योग्य बराबर नहीं है। हमको एक तो हम दुखी है, जैसे मान लो कि यहाँ एक बहुत गहरा घाव हुआ है, एक तो जलन हो रहा है और मैं नमक डालूं और मैं मिर्च डालूं तो कितना गहरा घाव होगा, होगा ने, लौंड और मिर्च भरूंगी तो वहां सखिया की हालत कैसी हुई है कि धनी एक तो अंदर घाव आपके लिए और आप और ऊपर ऐसे वचन बोलते जा रहे हो तो हमारे अंदर और घाव गहरे बनते जा रहे। धाम धनी
ऐसे वचन तो मत बोलिए। धाम ने बोला बहुत कहना बाकी है, अभी सुन लो, आज अंदर की आंखें खोल कर सुन लो। मान लो पति कैसे हो, दुष्ट हो, गरीब हो, मैंने अभी बहुत नाम ले लिया, आप जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, तो भी पतिव्रता स्त्री कभी भी पति को छोड़ के, कुलवंती नार कभी रात्रि को ये पति को छोड़कर नहीं आती। और आगे बताया, तब सखिया ने बोला कि दनी अभी सुनना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है, बस आप बंद हो जाओ, बस हवे अभी हमारा सुनो, आपकी बात हमने बहुत सुन ली, आपने अपने मुख से कहा कि भव रोगी जन्म नो पति होई, कोढ़ी होई, अपंग होई, असहाय होई, मूर्ख होई, अजान होई, गरीब होई, तो भी ना छोड़िए, तो आप तो सर्वगुण संपन्न, सकल गुण निदान, सर्वशक्तिमान, आप तो हमारे पति हो, तो आप ही हमको जवाब दीजिए, हम कैसे आपको छोड़कर जाए। आपने आपकी पहचान तो हमने पूर्ण रूप से कर ली है कि आप तो सर्वगुण संपन्न हमारे धनी हो, हम कैसे आपको छोड़े। आपने बहुत कुछ बोल दिया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बस हमने पहचान कर ली। हाँ, वहां हमने मर्यादा निभाई थी, मैं सच कह दूंगी, सखिया बोल रही है कि धनी वहां हमारा पंच महाभूत का तन था ने, धनी के पास और गहरी बात सखिया ने रखी कि धनी वहां थोड़ा पंच महाभूत का ये बॉडी था ने शरीर, तो वहां मर्यादा निभाई पड़ी, निभानी पड़ी, क्या करें हम, यहां तो बस हम आ गए ने, वो तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अभी तो स्वीकार कर लो हमको। पति तो ऐसा होता है, जितने भी अवगुण है, जितने भी हमारे अंदर ऐसे हमारा कर्म है, तो भी पति कभी भी छोड़ता नहीं है, तो आप हमको स्वीकार कर लीजिए धनी। फिर आगे बताया कि जाओ, आपके सासू ससुरा नहीं, मायके वाले मात पिता भी आपकी राह दिखते होंगे, आप जाओ। पतिव्रता स्त्री ऐसा नहीं करती, कुलवंती नार कभी भी अपने परिवार का या कभी भी गृहस्थी का मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। तभी सखिया ने क्या बोला पता है इस प्रकरण में, आगे बोला कि पियर पख ना ओलख्यू, पियर पख ना ओलख्यू, ना ओलख्यू सासर वेड, एक जानू मारो वालयो न मुकू तेमनी केड़। धनी मैंने ससुराल सिर्फ नहीं छोड़ा, मैंने मायके वालों को भी छोड़ दिया है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, बस आपके साथ हमारा पूर्ण संबंध है, आपके साथ हमारी पूर्ण पहचान है, बस आप हमको स्वीकार कर लीजिए। हम पियर पक्ष सब छोड़ दिया, बस एक दिकरी लड़की को क्या रहता, पुत्री को ससुराल जब दुखी करते ने, तभी उसको एक मायके की आशा रहती ने, जब धनी की पहचान हो जाती ने, तभी दोनों पक्ष को ठोकर लगा देती, पहले कौन, पति, अक्षरा तीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, पहले किसको वो प्राथमिकता देती, अक्षरा तीत को। फिर आगे बताया सुंदर साथ जी धाम धनी ने कि हे आत्माए, मैंने बहुत आपको बता दिया, आपने भी मेरा सुन लिया, लेकिन मैंने आपकी परीक्षा ली कि आप घर से लेकर तो कुछ नहीं आई हो ना, यहां समझ गए, आई तो 3 बजे 6 बजे तक सुनती रहेगी, लेकिन घर से जो कुछ भी थोड़ा सा अंदर लेकर आई तो यह बात अंदर जाएगी। किसको बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या वो योगमा ब्रह्मांड में बात चल रही है, क्या किसकी चल रही है, कि एक माया का लेश मात्र भी अंदर कुछ लेकर तो नहीं आई होने, वहां से कुछ जो थोड़ा सा भी अंदर होगा तो यह बात अंदर जाएगी नहीं, और यहां बैठने के बाद भी चलो वहां से तो लेकर नहीं आई, लेकिन मन में कितनी कल्पनाएं उठती है, एक पल में हजारों विचार उठते हैं, बैठे तो यहां हो लेकिन चले कहां जाओगे, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में है? हमारी सुरता, आपका तन कहां रहेगा या पंडाल में, जैसे मूल मिला में बैठे हैं, बैठे तो धनी के सामने, हमारी सुरता आज किसको देख रही है,
ये ज्योत्सना बेन नाम के वजूद को, ये मेरे पति है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरी बच्ची है, उसकी एक लड़की है, मेरे विवाही है, ये मेरे दामाद है। देख रही है ने, देख रही है ने, मैं आपको समझा रही हूँ, समझ गए? अरे मैं ये कर कोई यहाँ का दृष्टांत नहीं दे रही हूँ, मेरी सुरता यहाँ लौट गई ने, हमारी नजर तो धवनी के सामने खुली है, लेकिन मैं तन को खड़ा कर दिया नहीं आने के बाद, ज्योत्सना बेन नाम के तन को, ये तन को देखा तभी तो रिश्तेदारों को देखा, तभी तो परिवार को देखा। तो यहां भी बताया कि घर से कुछ लेकर तो नहीं आई वो ने, जो लेकर आई वो, तो इसलिए मैंने आपका दिल पवित्र निर्मल बनाने के लिए ये वचन आपके सामने रखे। मैंने ऐसे क्रोध वाले ये उथले ये वचन मैंने आपके सामने रखे नहीं है। किस लिए रखे? हमारा और भला, हमारी और अंदर की। देखो धनी ने हमारे लिए कितना प्रेम है कि मैं जितना प्रेम करूंगा ने, जो घर से कुछ लेकर आई होगी ने, तो उसका प्रेम कहाँ चला जाएगा? धाम धनिया वचनों से क्या कर रहे हैं आपको प्रेम, लेकिन यहाँ से आपकी सुरता घर में चली जाए तो यहाँ का सुख आपके अंदर जाएगा? तो धाम धनी कितना प्रेम करे योगमय ब्रह्मांड में कि घर से तो आई, कुछ लेकर आई तो मेरा सुख आपके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो जहां भी आप, जिस भी सभा में आप बैठो, मां एकाग्रता से बैठो, समझ गए मेरी बात? यहां से हमारी सुरता इधर उधर या घर या रिश्ते परिवार या संसार में जानी नहीं चाहिए। फिर आगे बोला कि सखिया चलो मैं आज आपको वृंदावन दिखाऊं, तुमसे मैं अलग नहीं हुआ हूं कभी भी। तब सखिया ने पूछा कि धनी 52 दिन की जो वियोग की जुदागी की लीला हुई हमारे लिए कैसी कठिन थी पता है आपको? कैसे हमने पास किए होंगे वो दिन? धाम धनी ने ये भी बताया कि मेरे लिए भी आप मेरे प्राण से प्राण के प्रीतम हो, प्राण के आधार हो, आप मेरे अंगना मेरी अंगनाओं हो, तो मैं आपसे कैसे एक पल के लिए अलग होता? चलो मैं आपको गले लगाऊं, बाएं में बाएं डालूं, सीने से लगाऊं, और आपको मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। सुंदर सा जी, संसार में कोई है ऐसा प्रेमी? है, सब मोह से बंधे हुए रिश्ते हैं, स्वार्थ से बंधे हुए रिश्ते, थोड़ी देर के लिए प्रेम कर लेते फिर दुख में परिवर्तित। धाम धनी ने बोला सखिया चलो मैं आज आपको वृंदावन बताऊंगा। तब सखिया ने एक बात और याद आई कि धाम धनी हमने आपको पूर्ण रूप से पहचान लिया है, ये कुटुंब कबीले है ने हमारे, ये तो एक जैसे एक आम के बगीचे लगते ने, आम के बगीचा भी गिर में है लगते ने आपके यहाँ, तो आम के बगीचे उसका मालिक कोई और है, और उसके सिक्योरिटी जो द्वारपाल रहते बगीचे के वो भी और है, और उसके मालिक की जो उसके अंदर उत्पादन होता आम का, उस मालिक पर वो जो उसका जो उत्पादन होता उसके उसका पैसा वो मालिक के हाथ में आता ने, उस पर हक किसका होता, अधिकार किसका होता? मालिक का होता ने। आम के जो बगीचे लगे हैं वो बगीचे की जो पूरी वाड़ लगती, एक बाड़ लगती ने, क्योंकि अंदर और प्राणी पशु नहीं आ जाते, इसलिए सुंदरसा जी वहां तो शेर बाघ ऐसे बड़े बड़े प्राणी रहते ने, तो अंदर ऐसे आम के बगीचे में, तो ये सखिया ने बोला कि धाम धनी जो कुटुंब परिवार के रिश्ते सगे जो है वो तो एक बाढ़ है, कांटे की बाढ़ है, और जो आम के बगीचे जो लगे हैं उसके मालिक आप हो, वो जो द्वारपाल है उसके सिक्योरिटी जो कर रहे हैं वो यहाँ के पति है, तो आप ही बताइए ने आप कौन हो? आप ही तो हमारे मालिक हो, आप ही तो हमारे अक्षरा तीत हो, तो हम आपको छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? आपको छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? उसके बाद धाम धनी ने क्या कहा सुंदर साथ जी के, सखिया चलो आज आपको मैं ऐसी प्रेममयी ऐसी आनंदमय लीला खिलाओ। और आगे अंतिम में भी एक बात रखी, सखिया का दुख अंदर से सहनीय नहीं है, तो सखिया ने और बोला धनी जैसे एक बेल से लता से फूल अलग होते तो ऐसे मुरझा जाते ने, कितनी देर रहते? मान लो ये फूल है, जब लता से अलग हुआ, छोड़ से अलग हुआ, पेड़ से, तो मुरझाने लगाने, तो ऐसे सखिया ने बोला धनी हम तो आपकी अंगनाएं हैं, आपसे अलग होकर हम कैसे जीवन
मिस हमारा बिताएगी, कैसे रह पाएगी। जैसे एक लता से फूल अलग होता तो मुरझा जाता, तो आपसे अलग होने के बाद हम कैसे इस संसार में रह पाती, आपके बिना हम रह ही नहीं पाती। तभी धनी ने हमारी भी विनंती ऐसी बातें सुनकर धाम धनी ने बोला कि सखिया चलो आज प्रसन्नचित से आपको वृंदावन की रास लीला में खिलाऊं और वृंदावन पूरा दिखाऊं। तो धाम धनी ने हमारा पूरा श्रृंगार किया, वहां जाके पूरा श्रृंगार किया। सबसे पहले वस्त्रों और आभूषणों से जाहरी श्रृंगार, पहले तो ऐसे अंदर का जो श्रृंगार धाम धनी ने नेत्रों से किया, हमारा कराया ऐसे जुबान से कराया, लेकिन बाहरी श्रृंगार धाम धनी ने रास ग्रंथ में छठे नंबर के प्रकरण से शुरू हुआ। आगे वाला जो पांच प्रकरण है वो माया के ऊपर, जो पहला वाला हवे पहला मोहजल की कहुआत, दूसरा नंबर का माया गई पोता ने घेर, तीसरा नंबर का बुंडा जीव जाग जेरे, चौथा प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी, और पांचवें नंबर का प्रकरण ने पगले अपन चालिए। और जो छठे नंबर का प्रकरण है, सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार उतरा। किसका? श्यामा जी का श्रृंगार उतरा। अखंड स्वरूप की अस्थिर आकारे शोभा कहू घणवे करी ने स्नेह, जोई जोई वचन आणु काई ऊंचा पण न आवे वाणी माहे तेह, शोभा श्रृंगार श्यामा जी नी वर्णवू जी। तो पहला श्रृंगार सुंदर सा जी योग माया ब्रह्मांड में किसका हुआ? श्यामा जी का हुआ। उसके बाद सुंदर सात का हुआ, हम गाइए एक दो छुपाई में, जोग मायानो देह धरीने जोगामा। प्रणाधार सुंदर सा जी, कैसे हम योग माया ब्रह्मांड में श्रृंगार सजे। हम अभी धाम धन्य तीन चौपाई में वर्णन करके बताया, क्या बताया, हम उसका ही थोड़ा भाव ले ले के शोभा जो धारण की सुंदर सात ने, जैसे श्यामा जी ने धारण की वही तत्काल वही क्षण में सुंदर सात ने, जैसी श्यामा जी की शोभा वही शोभा सेम समान सुंदर सात ने धारण कर ली। और कैसे कोटान कोट जाने सूरज उदियो, कैसे एक सूर्य जब उगता ने आकाश में, देखो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है ने, वहां तो करोड़ों सूर्य योग माया ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य एक साथ उदीप्त हुए, उसका नूर वहां फिक्का हो जाता है। कैसा फिक्का हो जाता है? इतना नूर तो धनी के नखों से निकल रहा है और सुंदर सात के नखों से निकल रहा है, वस्त्रों से निकल रहा है, आभूषणों से निकल रहा है, रेती की बालू की एक एक कण से निकल रहा है, सुंदर सात जी जमुना जी से निकल रहा है, ऐसे जमुना जी के तट पर जो महल बने हैं उसमें से निकल रहा है, ऐसे पेड़ जो लगे हैं उसकी टहनियाँ डालियों में निकल रहा है, उसे एक एक पत्ते में जो नंगों की नक्शिकारी जड़तर काम किए है उसमें से निकल रहा है, उस पर जो बैठे हुए पशु पक्षियों में जो पंख में जो उसके बाल है रोंगटे हैं उसमें से एक एक रोंगटे में ऐसे इतना नूर निकल रहा है। लेकिन प्राणना जी ने बताया कि हो नूर हो प्रकाश तो परम धाम के जो आनंद है ने, परम धाम के जो प्रकाश है ने, परम धाम के जो प्रेम है ने, उसके करोड़मा भागना अंश है, करोड़वें भाग का अंश है। बोलिए श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, जैसे एक सागर में लहरें व्यवस जो मोजे अंदर से उठते ने, ऐसे साखिया सागर की तरह उमड़ रही है, बस धनी अंदर से उमंग समा नहीं रहा है, बस अंदर से प्रेम नहीं समा रहा है, जल्दी से हमको कीड़ा हमारे साथ रामत खेली जाए। ऐसे सुंदर साथ जी हमने श्रृंगार धारण किए, घड़ी साथ नहीं दे रही है, कितनी लीला को बोले और कितनी लीला को छोड़ दे। और आगे सुंदर साथ जी राजी का श्रृंगार हुआ, किसका होगा? धाम धनी का। धाम धनी का श्रृंगार धाम धनी ने रास ग्रंथ में छठे नंबर का श्यामा जी का, सातवें नंबर का सुंदर सात का और आठवें नंबर का राज जी का। पहला श्रृंगार की दा मारा वाला जी तेनो वर्ण उते लव लेस, पछी समांद वाला जी साथ नो ते मारी बुद्ध सारू कहेस।
पहलो सिंगार की दो मेरे वाले जिए। पहला सिंगार क्यों बताया? पहला तो श्यामा जी का हुआ। चलो मां भाई प्रश्न खड़ा होगा, बताएगा कोई इसमें से पहला सिंगार क्यों लखा धामधनी ने? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, पहला सिंगार क्यों किया वहां? ब्रह्मानंद की लीला शुरू हो रही ने, प्रथम प्रारंभिक अवस्था ही तो है हमारी लीला, वहां से तो प्रारंभ हो रही है। पता है चौपाई आती है वाणी में, दो रास पांच और से अजीम, तो रास का तो पहला वाला तो है। बोलिए श्री प्राणनाथ, समझ गए मेरी बात? समझ गए? रास का तो पहला वाला तो श्रृंगार है, इसलिए पहला लिखा, लेकिन पहला तो श्यामा जी का है। जो इस आधार पर समझे तो पहला तो श्यामा जी का है, लेकिन उसमें पहला राज्य का क्यों लिखा? समझ गए मेरी बात? राज्य का इसलिए लिखा कि रास में पहला श्रृंगार यह ब्रह्मानंद का लीला, ब्रह्मानंद की जो लीला होगी कहां तक? 31 नंबर के प्रकरण तक होगी। आप ध्यान रखना, 32 नंबर के जो 32 नंबर के 32 नंबर के प्रकरण में जब अंतर ध्यान लीला होगी, उसके बाद जो स्वरूप प्रकट होगा अनुकरण लीला के बाद, वो भजनानंद का होगा। तो पहला श्रृंगार यह हुआ ने, पहला वाला श्रृंगार ये हुआ। तो धामधनी ने पहला श्रृंगार रास में धारण किया और पछे वाला जी संबंध साथ का। फिर नौवें नंबर के प्रकरण में सुंदर साथ जी, आगे मैंने अभी जो उथले वचन की बात की उसमें आया, और दसवें नंबर के प्रकरण में पूरा वृंदावन का वर्णन किया। वृंदावन सखी वनरावन जोइए जी, अनेक रंगे जोइए जी, ऐसे करके उसमें बताया। अनानास, आंबलिया, आसोपालव, ऐसे कई सब्जी, कई फल, कई सुंदर सा जी फूल पत्ते या कई सब्जी के नाम और कई पेड़, कई वृक्ष, अनानास, आंबलिया, अखोड़, अंजीर, ड्राई फ्रूट, ऐसे कई नाम धामधनी ने। आप दसवें नंबर के प्रकरण को रास के पढ़ लेंगे ने, तो पूरा जितना वनस्पति है, जितने पेड़ है जंगल में, यहाँ वनों में, सब आ जाएगा। धामधनी ने एक बात नहीं छोड़ी है, ये पढ़ लेना, पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ औषधियाँ है, फल लगे है, कहाँ सब्जियाँ है, क्या कहाँ कहाँ पत्ते का वर्णन है, पूरा ही आपको समझ में आ जाएगा। और 11वां नंबर के प्रकरण में सुंदर साजी धामधनी ने ऐसे अनुपम सौंदर्य रूप धारण किए। धामधनी ने रास ग्रंथ में 11 नंबर के प्रकरण में बताया, वाले वेशाली दो रड़िया मानो काय करशु रंग। 11 नंबर के प्रकरण, आस सखी रे हामा छड़ी। सुंदर साजी वाले नटवर का वेश देख लिया, क्या लिया? और वृंदावन में जो राम तभी खेलेंगे, और आगे यही प्रकरण में आगे बताएंगे धामधनी के, रास की रामत तो अति गणी, रास की रामत तो बहुत है। आप सखिया बोलिए कौन कौन सी रामत को खेलना है? अनेक ने अपार सगली रामत संभारी ने हमने रमाड़ो आधार। तो बहुत सुंदर अनुपम ऐसे नटवर का भेख लिया धामधनी ने, और हम सब सखिया सुसज्जित सोड़े श्रृंगार सज कर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर हम तैयार हो गई और रास खेलने के लिए 12वें नंबर के प्रकरण में बताया, मारे वाले ये करियो मांग सखियो सरवे तेड़ी सा। ऐसी अद्भुत मारो वालयो रमाड़े हमने नवे नवे रंग, अद्भुत आश्चर्य सुंदर साजी अंदर हो, ऐसी लीला धामधनी प्रकट करने वाली ऐसी लीला में। और आगे हम ची खुंदिए कोणिया आँख मिचामणी करताल गुमलड़ा गढ़की ऐसी कई रामते खेलते 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 धामधनी ने अपने दिल का अनंत जो प्रेम था, अनंत जो इश्क था, वो खेलते खेलते सुंदर साजी 31 नंबर प्रकरण तक वो रामते खेली गई। और सब सखिया के अंदर फिर अहंकार आया श्यामा जी के, क्योंकि हमारा पहले से अंदर का बना हुआ है ने, मूल में ही हमारे अंदर क्या है,
बारिश में अंदर मिला है ना, बारिश है ना हमें अंदर के संस्कारों के। तो फिर अंदर से श्यामा जी को आया कि देखो आज धाम धनी तो हमारे पर फिदा हो गए, धाम धनी हमारे पर फिदा हो गए, खुश हो गए, कितना प्रसन्न है, आज तो हम जैसे कहेंगे ना वो ऐसा ही करेगा। कई बार भाई डांट भी लेंगे, हो कई बार डांट भी लेंगे, इतना फिदा होते ने कई बार ऐसे डांट भी लेंगे। ऐसी अंदर मस्ती में नहीं जुमना सुंदर साथ जी, जहां हमारी गलती होगी ने वहां डांट भी खानी पड़ेगी। तो यहाँ धाम धनी सखिया ने सोचा, श्यामा जी ने भी सोचा कि धाम धनी तो आज फिदा हो गए, चलो ना आज हम जैसे कहेंगे ने ऐसे ही करेंगे। देखो धाम धनी हमारे पल्लू सर ऐसे सेट कर रहे है, ऐसे हमारी छोटी बाल हमारे सेट कर रहे है, ऐसे हमारे सब कुछ बेनी भी हमारी ऐसे सेट कर रहे है, देखो तो आज हमारे पर कितने फिदा हुए है, आज हम जो जैसे बोलेंगे ना वो ऐसे ही करेंगे। धाम धनी ने अंदर से पहचान लिया कि फिर अंदर अभी अभी मूल से गया, अहंकार अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो फिर सुंदर साथ जी कहाँ गए, आनंदे रोता रमिए तेने कहिए ते लक्षण प्रेम, रामत करता कहीं सुंदर साथ जी रमता कीधा कहीं चैन, तेना उड़ी गया सर्वे ने, आनंदे रोता रमिए। तो बालाजी ने अंतर ध्यान की लीला कैसे की, जैसे बीच में से अंतर ध्यान हुए, बीच में से स्वरूप जो धारण करके रूप जो कृष्ण वाला तन खड़ा था वो कहीं गया नहीं था, वो सामने ही खड़ा था, लेकिन बताया कि पेड़ बीच में आ गया, पेड़ बीच में आ गया, सख्या में कहीं भी नहीं गया था। रास के अंतिम प्रकरण में राज जी जवाब देंगे, लेकिन सख्या मान नहीं रही है, सामने ही कृष्ण के रूप तो खड़े है, लेकिन सुंदर साथ जी अंदर से आवेश चला गया ने, अंदर से आवेश चला गया ने, तो क्या हुआ, सखियों को लगा आवेश जैसे अक्षरातीत का जोश के साथ चला गया तो अक्षर की आत्म अंदर एक सिर्फ रही, तो अक्षर की आत्म ने सोचा, क्या सोचा अंदर से, अरे उसको तो ऐसा लगे कि मैं परम धाम में ही लीला कर रहा हूं, अक्षर धाम में ही लीला, उसको पता नहीं लगे मैं योग माया ब्रह्मांड में, अपने योग माया ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म हूं, उसको भी पता, क्योंकि दोनों भूल गए ने, दोनों को याद दिलाना है ना। धामधनी ने वाने भी बताया कि दोनों भूल गए, दोनों को शुद्ध नहीं रही सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, अक्षर के आत्म ने सोचा कि अरे ये सखिया कौन, ये वृंदावन कौन, कैसा वृंदावन, ये कहाँ की जगह है, ये सखिया कौन है, अरे मैं कौन हूं, क्या मैं अपने अक्षरधाम में नहीं हूं, क्या मैं योग माया ब्रह्मांड अपने ही पाद में हूं, केवल ब्रह्म बुद्धि के पाद में। अंदर से आवेश चला गया, तो आवेश को पेड़ बोला, आवेश अंदर नहीं होता तो कोई तन को प्राणनाथ कहा नहीं जाता। इसलिए मैं दो दिन से समझा रही हूं कि रूप और नाम में मत पड़ो, जिस जब अंदर से आवेश निकल जाता तो हम उसको प्राणनाथ अक्षरातीत नहीं बोलते सुंदर साथ जी। मान लो कि नूरी तन अभी अखंड हो जाएंगे तो उसको प्राणनाथ नहीं बोला जाता, क्योंकि आवेश शक्ति परम धाम में चली जाएगी ने, तो उसको प्राणनाथ नहीं कहा जाता। तो बीच में से जब अंतर ध्यान हुए तो सखिया ऐसे विरह में डूब गई, रोने लगी, ऐसे पूरे वन में वृंदावन में खोजने लगी, खोजते खोजते श्यामा जी के पास गई, उसको ऐसा लगा कि श्यामा जी को लेकर ही धनी जी चले गए, क्योंकि वो उसकी लाडली है ने, ऐसे तो हम सब रुए हैं, उसको ऐसा लगा जैसे श्यामा जी को एक ही जगह खड़े होकर देखा। तो सुंदर साथ जी हम सब आत्माएं ऐसे चौंक गई कि अरे श्यामा जी को भी अकेले छोड़कर चले गए क्या, श्यामा जी को कैसे छोड़कर चले गए, श्यामा जी के अंदर ऐसा हुआ कि वो मेरे पर फिदा ज्यादा है, तो उसको लेकर धनी चले गए और उसने बोला कि मेरे पैर में आज बहुत रामत है खिलाने, तो मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा, मैं थक गई हूँ, ऐसा करो ना मेरे को कांध पर पीठ पर लेकर चलो ने, कांध पर लेकर, ऐसा जब बोला ने तो राजी जान गए। उसने बोला चलो पेड़ पर, तो पेड़ पर उसको श्यामा जी को ऊपर चढ़ाया, उसको बोला कि मेरे कांध पर चढ़ जाओ, ऐसा बोलने के लिए जब गए, जैसे श्यामा जी ने अपना पैर उठाया राजी अंतर ध्यान हो गए और श्यामा जी नीचे
गिर गई। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ कहाँ पहुंचे? कौन सुंदर साथ है? बार बार मैं याद दिला रही हूँ, कौन है? हम सब है। हम वहां पहुंचे तो श्यामा जी को रोते ककड़ते हुए हमने, विलखते हुए हमने देखा, तो पूछा, श्यामा जी क्या आपके पास श्याम नहीं है? श्यामा जी ने बोला कि मेरे को भी छोड़कर चले गए, मेरे पास भी श्याम नहीं है। तो उसके बाद सुंदर साह जी क्या हुआ, ये लीला नहीं है, हमारी बात है। किसकी है? हम जितनी देर राज्य में मग्न रहते ने, जितनी देर धनी में डूबे रहते ने, हमारे अंदर जब जैसे अहंकार आता, कोई माया घुस जाती, हमारे घर के दरवाजे में अंदर एक कागज रख दो, या मान लो कागज रखने के बाद या कोई कपड़े रख दो, तो विंडो में से खिड़की से इतनी मिट्टी तो अंदर आ ही जाती है। आप दो तीन दिन के बाद देखना, कपड़े से पहुँच के एक गीले कपड़े करके पहुँचना, देखना मिट्टी आएगी। क्यों भाई? अपने कपड़े रखे, एक कागज रखे तो भी अंदर मिट्टी घुस गई विंडो में, खिड़की में अंदर, क्यों? ऐसे माया बलशालिनी है। आपकी खिड़की बंद होगी ना, अंदर की है पूरी, सब जालिया, तो भी अंदर माया घुस जाती, कहीं भी से घुस जाती। तेर हथियार है उसके तेर हथियार है सुंदर साथ जी, कहीं भी जगह से घुस जाती तो ऐसे अंदर माया। सखिया के अंदर धामधनी ने देखा तो धामधनी ने बोला कि आपको तो और आगे जाना है, जो इतनी भी माया आपके अंदर होगी तो आप परम धाम में तो अब और आगे। धनी को तो अगव पता चल गया ने, आगे ही पता चल गया। आगे सखिया बोलेगी कि धनी ऐसे घर ले चलो, तो धाम धनी ने इतनी सी माया हटाने के लिए क्या किया? ये कोई मैं घटना में बार बार क्यों बोल रही हूं, ये मैं घटना कम नहीं कह रही हूं, सब हमारे पर प्रैक्टिकल में घटित हो रहा है, मैं फिर प्रसंग को भी जोड़ रही हूं। फिर श्यामा जी ने बोला कि मेरे पास भी श्याम नहीं है। सब वृंदावन में पूछने लगी लता को, पैड को, तो लता उसको देखकर हंस रही है बेलिया, कि देखो हम हमारे वर्ष कैसे ही पूरे आसपास, कैसे हम पूरा एक टर्न लिया ने, पूरा एक घूमकर पूरे हम उसके साथ हम आलिंगन ले लिया है, एक पेड़ के साथ, तने के साथ, जो उसकी तने होता ना नीचे वाला, जिसको हम थड़ बोलते हैं, तो उसके साथ हम कैसे आलिंगन ले लिया? देखो हम तने के कभी भी छोड़ा, कैसे हम लिपट गई है हमें, कैसे हम हमारे पति के साथ जो बेल होती ना लता, वो पेड़ के साथ लिपट के हम देखते ना, कभी बार हम सब्जी के जो कहीं लताएं लगाते तो एक पेड़ के साथ लगाते ना, उस पर चढ़ जाते, तभी वो नीचे नहीं टच होते, अटक नीचे पड़ती नहीं वो लताएं, तो ऐसे बेल हंस रही हमारे पर। उसने बोला देखो हम हमारे पति के साथ कैसे लिपटी हुई है, कैसे आलिंगन लिया है, जो आप ऐसे अपने वर को, अपने पति को लिपट के रखते ना आलिंगन करे हुए, तो आपको पति आपको छोड़कर, देखो वो भी हमारे पर मजाक कर रही, हंस रही है। तो सुंदर साह जी हमको प्रबोध एक संदेश दे रहे धामधनी कि आपके धनी को आपके अर्श दिल में रोज बोलते तो हो, अरस तुम्हारा मेरा, क्या बोलते हो सुंदर साह जी? अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो रात को आप नींद के टाइम सोते टाइम आप सोचना कि उसमें धामधनी को बैठा या और परिवार या सगे वाले जो हमारे रिश्तेदार है या और माया को बैठा दिया है। और एक धामधनी ने सागर सिंगार में भी चौपाई सुंदर साह जी लिखिए कि मासुक सेज न आइया कहीं सुनी न बात, मासुक सेज न आइया कहीं सुनी न बात, सुख न लियो इन अंग सेज को तो निष्फल गई जो रात। सुंदर साह जी अपने धनी को कहाँ बैठाना है? अपने धाम दिल में। सोते टाइम तो सुंदर साह जी अवश्य 5 मिनट अपना अनकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, एक जागृत अवस्था का भी मन है, एक जब अपना अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन उसको बोलते हैं, उसके अंदर आप रात्रि को जो विचार करेंगे धामधनी की याद को, या रंगपर वाली मंदिर को, या मूल मिलावे में हमारे परातम तन को, या धामधनी के चरणों में हम बैठे हैं और वहाँ से हमारी सुरता इस नश्वर जगत में, भले ही यहाँ इस पथारी में, इस बेड में सोई हुई है, इस सैया पर सोई हुई है, लेकिन
हम तो परम धाम में रंग पर वाली मंदिर में अपने शयन कक्ष में हम सोए हैं, हमारे साथ हमारी धनी भी सोए हैं, ऐसा भाव लेकर हम सोएंगे। कैसे सोएंगे? रात को दिन का 23 घंटा संसार को दो, लेकिन रात्रि का 1 घंटे के लिए कोई बात नहीं, चलो आधे घंटे के लिए, इससे भी कम 10 मिनट तो राज्य को दो। सिर्फ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, अर्ष तुम्हारा मेरा, अर्ष तुम्हारा मेरा, अर्ष तुम्हारा मेरा, लेकिन अंदर तो संसार ही। रात्रि को सोते सोते टाइम दूध को मिलाना, दही डालना, ये भूल गए और यहाँ याद चली जाए, वहाँ बात चली जाए, इसमें कोई फायदा नहीं है सुंदर सा जी। तो रात्रि को क्या याद करना है? सब घर काम लिपट के सुंदर सा जी रात्रि को धाम धनी को हमारे अर्ष दिल में बैठा कर, ध्यान में चितवन में डूब कर, जो हम रात्रि को ध्यान में धनी को जो चितवन में हम उस लीला में हम डूबेंगे, न मानो रात्रि को हमारा तन छूट गया तो हम कहाँ उठेंगे, पता नहीं ना, ये तन कभी दगा दे देगा है, कभी भी अंदर से ये चेतना चली जाएगी तो हम उठेंगे कहाँ? दिव्य घर परम धाम में मूल तन में उठेंगे, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ सोए थे ना, हम यहाँ नहीं सोए थे, यहाँ सोएंगे तो उठेंगे कहाँ? मान लो यहाँ बैठे हो तो यहाँ से उठेंगे ना आप, तो रात्रि को जहाँ सोए, मान लो कई बार मायके में चले जाते वहाँ सो जाते हैं, सो जाते ने, कई बार यहाँ बेड में सो जाते, कई बार कोई विचारों में सो जाते, तो उठेंगे कहाँ? वहाँ ही तो उठेंगे। तो आप ऐसा करो, जहाँ उठने की आपकी इच्छा हो वहाँ ही सोओ, समझ गए? राज्य के पास सोया तो राज्य के पास ही उठेंगे। तो रात्रि को तो 10 मिनट नहीं, मैं तो आधे घंटे 1 घंटे की बोलती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता, साथ शरीर साथ नहीं देता, तो 10 मिनट तो करो ही करो जरूर सुंदर साथ जी। तो ऐसे धाम धनी अंतर ध्यान हुए, मैंने बोला ना, मैं प्रसंग नहीं कह रही हूँ, कोई किस्सा नहीं है, हमारी तो बात है। फिर सखिया इतनी वीरों में डूबी, लताएं हमारे पर हंस रही है, तो उसको भी अंदर से ऐसा लगा कि देखो वो हमारी मजाक कर रही है, हमने हमारे पति से आज देखो अंदर से हमारे अंदर अहंकार थोड़ा आ गया, तो हमारे पति हमसे अलग हो गए, तो हमारे अंदर एक निर्मलता, हमारे अंदर एक पवित्रता बनानी चाहिए। धाम धनी ने वाणी में बताया कि जैसा बाहर होते हैं होवे तैसा दिल, तो दखिन पी उन्यारा नहीं आप रहे हिल मिल। जैसा हमारा बाहर की पवित्रता है, जैसे हम बाहर बोल रहे हैं, ऐसा हमारा दिल भी होना चाहिए, ऐसी हमारी अंदर की भी पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे एक मनुस्मृति में भी सुंदर साजी लक्षण में बताया है कि धृति क्षमा दमस्तेय सोच इंद्रिय निग्रह त्रिविद्या सत्यम क्रोधम दशकम लक्षणम। उसमें इंद्रियों का दमन और जो एक सोच, अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता, कैसी हमारी पवित्रता होनी चाहिए, भले ही थोड़े कम शब्दों में बोलो, लेकिन जैसे हमारी बाहर की पवित्रता है, हमारी वाणी की पवित्रता है, हमारी मन की पवित्रता है, तो शुद्ध प्रिय और हितकारी वचन बोले। जो आपके अंदर ये वचन नहीं है तो मत बोलिए, मौन रहिए, लेकिन ऐसे वचन मत बोलिए, किसी का सुना सुनाया हुआ भी मत बोलिए सुंदर साथ जी, मत बोलिए, बस मौन हो जाओ। जितना मौन में सुख है ना, इतना बोलने में नहीं, हमारी एनर्जी व्यस्त मत करो ऐसी, बस हाँ पवित्रता बनाओ अंदर की। मनुस्मृति में बताया कि धार्मिक इसको कहते हैं कि जैसे हमारी दिल की पवित्रता, जैसी बाहर की पवित्रता, ऐसे वेदों में भी बताया कि प्रिय हितकारी और मीठी वचन, और धाम धनी ने वाणी में भी बताया कि मीठी जुबा मीठे वचन मीठा रूह मीठा प्यार मीठा हक मीठे रूह को मीठा करे प्यार। तो हम मीठे, हमारे धनी मीठे, हमारी वाणी मीठी, हमारी जुबान मीठी, तो हमारे वचन भी मीठे होने चाहिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्मा ने देखा, क्या देखा, कि चलो धाम धनी अंतर ध्यान हुए, लेकिन धाम धनी को अनुकरण लीला हम ब्रज की करें, क्योंकि राज्य को ब्रज वाली लीला बहुत पसंद थी, बहुत उसको अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, तो हम अनुकरण लीला करें। तो एक सखी ने कृष्ण का भेष धारण किया, वो कौन सी सखी थी? इंद्रावती। उसको रास में मानेक दे कहा गया, क्या कहा गया? इंद्रावती सखी ने कृष्ण का, तो वहां भी धाम धनी ने इशारा दे दिया कि हे इंद्रावती, आज मैं रास में आपको जो कृष्ण के रूप में जाहिर कराऊं, जो एक अक्षरातीत की शक्ति आपके तन में यहाँ लीला कर रही है रास में भी, तो ऐसी लीला जागृत ब्रह्मांड में
आपको पांचवें दिन में भी आपके ऊपर उत्तरदायित्व झागड़ी का पूरा अंतिम समय का पूरा ही झागड़ी का उत्तरदायित्व आपके सिर पर रहेगा। वहां भी थोड़ा इशारा दे दिया धामधनी ने। सुंदर सा जी वो कृष्ण बनी, एक राधिका बनी, ऐसे कोई पुतना बने, ऐसे अगासुर बगासुर ऐसे कई राक्षस बने। और पुतना जब स्तनपान, मैंने कल लीला ली थी ना परसों, स्तनपान कराने गई, ऐसे अनुकरण लीला करते 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 बहुत टाइम बीते, लेकिन बालाजी प्रगट नहीं हुए। फिर सखिया ने सोचा, क्या सोचा कि चलो बालाजी ऐसे तो प्रगट नहीं हुए, हम रास की जो लीला में बालाजी ने जैसे बैंड बजाई थी, हम धाई के जैसे दौड़ के चली गई थी। तो एक सखी ने जो कृष्ण का रूप लिया था, उसने ऐसे बैंड बजाई और बैंड बजाई, तभी सब सखिया के अंदर फिर एक चेतनता आई, फिर अंदर एक स्फुरणा और अंदर से अंतर प्रेरणा हुई कि धामधनी प्रकट हो गए। धामधनी कहीं भी गए ही नहीं थे, सामने तो थे, अंदर आवेश शक्ति फिर वापस आ गई, वो कहीं नहीं गई थी, राधा जी के तन में थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमको बताया कि आपके अंदर अहंकार आया, इसलिए मैंने ये लीला की थी। सुंदर सा जी जैसे बैंड बजी, धामधनी फरी वापस प्रकट हुए, और वापस प्रकट होने के बाद सखिया ने बोला कि धामधनी आप कहां चले गए थे। तब धामधनी ने बताया कि सखिया मैं कहीं भी नहीं गया था, आपके सामने ही तो था, लेकिन आपके ऐसा लगा मैं कहीं नहीं गया था। मैंने पहले भी बता दिया कि पेड़ आड़ा अब बीच में आ गया। सुंदर सा जी आवेश शक्ति सिर्फ चली गई थी। फिर धामधनी ने अंदर ऐसे विचार आया कि सखिया को अंदर का विरह और अंदर का जो दर्द और एक इच्छा इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, तो मेरे एक रूप से श्री कृष्ण के एक रूप से एक तन से उसकी प्रेममय इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो उसने अनेक रूप धारण किया। क्या किया? एक सखी एक कृष्ण, एक सखी एक कृष्ण, ऐसे अनेक रूपों धारण कर सुंदर सा जी सखिया को फिर भजनानंद का पहले ब्रह्मानंद वाली लीला हुई, फिर भजनानंद उसकी परिभाषा यही है कि सखिया जिस स्वरूप का रटन कर रही थी, जिस स्वरूप को बार बार याद कर रही थी कि वो धनी प्रगट हो, धनी प्रगट हो, हमारे बीच से कहाँ चले गए, तो जिस स्वरूप का रटन, जिस स्वरूप को बार बार याद करना, इसलिए भजनानंद, भजना मतलब भज बत्ता आनंद, जिस आनंद के लिए, जिस प्रेम के लिए अंदर से इच्छा कर रही थी, वो भजनानंद स्वरूप फिर प्रकट हुआ एक सखी एक कृष्ण के रूप में। फिर हमारी लीलाएं हुई। लीला के बाद सुंदर सात जी 45 नंबर के प्रकरण में धामधनी ने बताया कि सखिया बहुत रामत आपने खेली और अनेक अनेक रामतों में प्रेममय आनंदमय सुख लिया आपने। तो चलो हम जमुना जी के किनारे पर, जमुना जी के तट पर चले जाइए। फिर हम सब सखिया कहाँ गई सुंदर सा जी? किसरा किस नंबर का दिन चल रहा है? दूसरे नंबर का, रास में है ना अभी हम, रास में। तो हम कहाँ चले गए? जमुना जी के तट पर। और वहां जाके धामधनी ने बताया कि चलो हम सब जीर्णा करें, स्नान आदि कीड़ाए करें। तो फिर हमने जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र उतारे और स्नान जीर्णा के वस्त्र पहने, और वस्त्र पर पसीने वाले वस्त्र पर धनी बैठे, देखो उसका प्यार कितना प्रेम, वहाँ पसीना नहीं होता योगमाया ब्रह्मांड में, लेकिन एक धनी की हमारे प्रति जो प्रेम की एक पराकाष्ठा का बताया कि धनी पसीने वाले बस्तर पर बैठे, हमारे पति धनी का कितना प्रेम है। और उसके बाद हमने जल कीड़ा भी की और उसके बाद हमने जीर्णा भी किया सुंदर सा जी। हो धाम धनी ने रास ग्रंथ में बताया, अनिहारे इलाना रंग सोहामण, अनिहारे जीलण रंग सोहामण, आपन जिलसु
बालाजीन सा राम तरामीन सौ आविया काई पूर्ण थयो रंग रास आपण जिल सुवालाजीन सा श्यामा कहे श्यामा जी सुनो काई तामा मन माए श्यामा कहे श्यामा जी सुनो काई तामा रामन माए जेरे मनोरथ तो यहाँ पर सुंदर साजी जेरे मनोरथ ये नहीं है चौपाई अलग है मैं अर्थ बता दूं कि जे मनोरथ आपने किया था जो मनोरथ आपने किया था ये मैं पूर्ण करूंगा हे श्यामा जी आपके मन में जो भी उत्कंठा है जो भी इच्छा है आप बोल दीजिए हे सुंदर साजी बोल दीजिए अंतिम में आपकी क्या इच्छा है। फिर धनी ने बोला के सखिया आपको वृंदावन कैसा लगा। सखिया ने बोला धनी पहले तो हमारा यह सुन लीजिए आप वृंदावन में आपने बहुत विलास की लीला की अनेक रामतों के रूप में प्रेम का आनंद का सुख दिया लेकिन विरह में विरह की लीला भी बीच में विलास की लीला तो की बीच में अंतर ध्यान के टाइम पे विरह की लीला भी की तो हमको पहले अच्छा लगा बहुत सुखमय लगा बाद में शमशान घाट जैसा लगा। कैसा लगा शमशान सुंदर सा जी ऐसा शब्द उपयोग किया वहां यूज किया हमने तो परमधाम का कितना करोड़ गना सुख होगा। कैसा लगा वहां एक पल की जुदागी हमारे लिए सहनीय नहीं थी। धनी ने फिर सखिया ने बोला कि धनी आगे और बात करेंगे कि सखिया चलो पहले तो कीड़ा कर लो रामत कर लो रामत करते करते और आगे बढ़े फिर जीर्णा के बाहर बाद बाहर आए तट पर अपने वस्त्र धारण किए। चार सखिया ने श्यामा जी को श्रृंगार कराया चार सखिया ने राजी को श्रृंगार कराया चार सखिया ने श्यामा जी को सुंदरबाई इंद्रावती और लालबाई और पहले कौन निकला सुंदरसा जी आसबाई निकलिया और श्रृंगार किदा सर्वे भेला पीछे से श्रृंगार किसने किया पीछे से राजी को श्रृंगार किया उसमें सुंदरबाई इंद्रावती और कमलावती और लालबाई भेड़ा मड़ी श्रृंगार किदा और चार राजी चार सखिया ने राजी को श्रृंगार करवाया उसमें सुंदर साजी चार सखिया राजी के श्रृंगार कराने वाली और उसके बाद क्या हुआ तो राजी ने बोला कि सुंदर साजी हम साथ में बैठकर भोग आरोगे साथ बैठी भेगा मली आरोगवा साथ मली बैठा भेगा आरोगवा गुजराती में चौपाई में बताया बदा सब एनी भात इंद्रावती प्रिशणे और वालोजी पीछे से एनी भात पहला क्या हुआ पहले क्या हुआ सुंदर साजी साथ मली बैठा आरोगवा सब साथ हम जैसे ऐसे बैठे ने ऐसे जमुना के किनारे पर हम बैठे सब साथ और राजी और श्यामा जी पहले सब साथ ने सुंदर सा जी राजी और श्यामा जी को भोग आरोगाया। वो 46 नंबर के प्रकरण में बताया कि फर्तन फेर बाजोठिया रंग पाकी परवाली लाल पड़गी कांगरी कांगरी पड़गी जाने रहिए निराली। ये प्रकरण में बताया कि सब साथ बैठा सब साथ को पहले राजी और श्यामा जी को सब साथ ने आरोगाया भोजन और अथा ने कई प्रकार के मेवा मिठाई आचार ऐसे आरोगाया सुकौनी कना अथाना ऐसी कई बहुत बातें लिखी है कितनी छोड़ू और कितनी रखू। और उसके बाद अंतिम में राजी ने जो प्रिष्णे साथ हो तो ने जो प्रिष्णे साथ हो तो उसको राजी ने सबको खिलाया और इंद्रावती के मुंह में किसने बाइट दिया जो एक अन्न का टुकड़ा दिया अंदर बाइट दिया सुंदर सा जी क्या दिया क्या किया धनी ने इस पर कि इंद्रावती जो जागनी ब्रह्मांड की लीला होगी ने
तभी भी एक इशारा दिया, तब पूरा जागणी का उत्तरदायित्व 5वें दिन में आपके सिर पर है, यहां भी इशारा दे दिया। और फिर अंतिम में मेरा वाला वालम जी रे प्रीतम हमारा, हमने मुकी ने कहा चालिया प्राणनाथ, लास्ट अंतिम में 47 नंबर के प्रकरण में बताया कि हे प्रीतम, हे मारा प्राणाधार वालम जी, हमको छोड़कर वृंदावन में कहाँ चले गए थे? तब वाला जी ने बोला, सखिया मैं कहीं भी नहीं गया था, आप तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो। सुंदरसा जी, इतनी बात सुनकर आप इतना समझ लेना कि हम दासत्व भावना से धाम धनी को बार बार मत्था टेकते, बार बार प्रणाम करते, करना चाहिए, समझ गए? लेकिन हम तो उसकी अंगना है, समझ गए? धामधनी ने हमको भी प्राण के प्रीतम कहा, हमको भी प्राणों से प्राणों के आधार कहा। क्या आप बोलिए ना, आप आपके अंदर जो भी इच्छा है ना, वो मैं आपको आपकी पूरी करूंगा, आप तो मेरे प्राणों के प्रीतम आत्म के आधार हो। तब धामधनी ने पूछा कि वृंदावन कैसा लगा? सख्या ने बोला कि विलास के साथ वीरक की भी लीला हमारे साथ घटित हुई तो हमको शमशान घाट जैसा लगा। और धामधनी क्यों अदृश्य हुए थे? धामधनी ने बोला कि बीच में पेड़ आ गया था, मैं कहीं भी नहीं गया था। और उसने बोला कि ब्रज से रास में जब मैंने आपको बुलाया, तभी मैंने जब ऐसे यहाँ से बांसुरी निकाल कर अधूर पर धरू, इतनी देर लगी थी ना, तो मेरे लिए भी जुगो समान गई थी। आप बोल रहे ना मेरे को ये बीच में आप अंतर ध्यान हुए तो एक पल की जुदागी युगो समान बीती, तो मेरे लिए भी ब्रज से राजी ने जवाब दे दिया, ब्रज से रास में आई ने बांसुरी मैंने बजाई, तब इतनी देर में मेरे समान युगो समान गई थी। फिर अंतिम में राजी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? तब सखिया ने बोला, हवे ने हवे रे वालिया एटलू मागू, जहां खीणे कलगा न थईए, जहां वीर नहीं आपनो, चालो ते घर जाइए। धनी, अंतिम में हम आपके पास इतना ही मांगते हैं कि एक पल की जुदागी आपके और हमारे बीच में ना हो, ऐसे घर पे ले चलिए। धनी, यहाँ तो ब्रजमंडल में रोज बाना करना, ससुराल में क्या करना पड़ता था? सास को बाना करना, ससुर को बाना करना, पति को बाना करना, बच्चे को और रिश्तेदारों को, तभी हम आपको मिलती थी। रास में आए तो रास में भी बीच में अंतर ध्यान होकर दुख की लीला हुई, तो ऐसे घर पे लेके चलो जहाँ मेरी और आपके बीच की एक पल की जुदागी और दुख भी ना हो। तो धामधनी ने बताया, यही घर एक परम धाम है, तो आप वहाँ चलो सुंदर साथ जी। तो धामधनी वहाँ लेकर हमको गए, कहाँ? परम धाम में। तो वहाँ हमारी मूल तन में, हमारी परातम तन में हमारी आत्मा जगी, और हमारा रास जहाँ से वहाँ अटका नहीं, लेकिन वहाँ हमारी लीला सिर्फ पूर्ण हुई, और वहाँ से एक बीच में जो प्रतिबिंब की लीला यहाँ हुई, और उसके बाद हम यहाँ चौथे दिन में आएंगे, तीसरे दिन में मोहम्मद साहब आएंगे, ये लीला हम कल लेंगे, लेकिन प्रतिबिंब की लीला हम 10 मिनट में पूरी करेंगे, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी बार हम रुक गए थे, तो ये हमारी लीला यहाँ जुड़ जाएगी सुंदर सा जी। तो हम परातम तन में, मूल तन में हमारी आत्मा वहाँ वापस लौटी, वहाँ हम जग गए, हमारा नूरी तन योग माया ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में जो रास खेला गया, वो सबलिक के महाकारण में हमारा नूरी तन अखंड हो गया, और कारण में ब्रजलीला के जीव अखंड हो गए। और सुंदर साथ जी, हम कहाँ गए? मूल तन में जागृत हो गए, और वहाँ राज्य का आवेश भी मूल तन से फिर वापस परमधाम में चला गया। वहाँ सिर्फ योग माया ब्रह्मांड में सबलिक में चित्त में सिर्फ हमारा नूरी तन जीव का तन, और हमारा नूरी योग माया ब्रह्मांड में रास वाला तन, और राज्य का आवेश भी चला गया, वहाँ सिर्फ नूरी तन बाके बिहारी वाली शक्ति का नूरी तन वहाँ रह गया। वहाँ आवेश नहीं है तो वहाँ प्राणनाथ बोला नहीं जा सकता गौलोकी वाले शक्ति को, क्योंकि अभी हमारी शक्ति परमधाम में वापस चली गई। और अक्षर ने भी याद दिलाई कि धनी, मैंने अक्षरादित के माहौल में जो इश्क और प्रेम की लीला देखने की इच्छा की थी, तो आप ऐसा कीजिए 24,000 कुमारिका के साथ हमारी लीला तो हुई, हमने यह तो देखा, लेकिन मेरी लीला को भी मेरे चित्त में अखंड कर दीजिए। तो ये लीला भी उसके चित्त में महाकारण में रास की लीला अखंड हुई, और ब्रज की कारण में हुई। और सुंदरसा जी, यहाँ की जो प्रतिबिंब लीला हुई,
तो यहाँ जो गोपिका ये उठी, वो 24,000 कुमारिका ने हमारे साथ जो कॉल किए थे, और राज जी ने उसको वायदा किया था कि कॉल किया था कि हाँ मैं आपके तन के साथ खेलूँगा, मैं ये लीला समय पर करूँगा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी नहीं आएंगे, यहाँ कौन आएगा? सिर्फ जो यहाँ प्रतिबिंब की लिया, यहाँ गोकुल मथुरा की हुई 5,000 साल पहले, राज्य की आवश्यकति तो मूल तन में, मूल मिला में जागृत हो गई, वहाँ जग गए हम सब, हमारी 12,000 भी वहाँ आत्माएं चली गई, यहाँ हमारी आत्मा भी आई नहीं। जो 24,000 कुमारिका ने जो कॉल किए थे राज जी के साथ, वही 24,000 यहाँ उतरी, और 12,000 जो वेद की रुचाएं थी वो उतरी, और जो यहाँ तन विष्णु भगवान के तन ने जो जन्म लिए, उसमें विष्णु भगवान के जीवी जन्म लेते हैं बार बार, और जो रास में जो शक्ति हमारे साथ थी, गौलो की शक्ति, बांके बिहारी वाला तन की जो गौलो की शक्ति थी, वो गौलो की शक्ति यहाँ उतरी। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय राधा वल्लभी मार्ग जो अभी ये परंपरा में मानते हैं, गोसाजी परंपरा में, वो गौलो की बांके बिहारी की शक्ति और विष्णु के जीव के साथ 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 वेद रुचाओं की लीला, जहाँ से रास हमारी पूर्ण हुई थी वहाँ से फिर जुड़ गई, और यहाँ वहाँ अटकने के बाद यहाँ फिर जुड़ गई। पहले यहाँ रास लीला हुई यहाँ इस ब्रह्मांड में, फिर रास के बाद 7 दिन की गोकुल की लीला यहाँ हुई, और हम आए, भूलना मत, हम आए, हम चौथे दिन में आएंगे। तो फिर 7 दिन की गोकुल की लीला हुई श्री कृष्ण जी के साथ 36,000 सखियाओं की, और 4 दिन में मथुरा की जो अक्रूर है कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए, और बोला कि मैं 4 दिन में वापस भेजूंगा, उसको पहुंचा दूंगा फिर मत गोकुल में। लेकिन 4 दिन के बाद क्यों नहीं आए, उसमें बीच में भेद में 5 मिनट में अभी पूरा करती हूँ। सुंदर सा जी, इसलिए नहीं आए कि 4 दिन की जो मथुरा की लीला हुई उसमें क्या हुआ, तो जाने के बाद कंस ने अपने जो देव की और वसुदेव अपने माता पिता जो कृष्ण के थे, जीव ने जो जन्म लिया था विष्णु भगवान के, उसके माता पिता ने जो कारागृह में बंधन में रखा था उसको छुड़ाया, कंस को मारा, देव की वसुदेव को लोबंधन से छुड़ाया, 4 दिन में क्या लीला की, और कंस को मारा, और कुबलिया पीड़ हाथी और चारुण मुष्टक को मारा, और 4th दिन में उग्रसेन को राज्य तिलक किया। 4 दिन की लीला पूर्ण करने के बाद जो अंदर शक्ति थी, गौलो की शक्ति बेहद वाली, वो भी कहाँ चली गई, ब्रजमंडल में, जहाँ से अक्रूर मथुरा से मथुरा लेकर आए ने कृष्ण को, तो वो ब्रजमंडल में बरसाने में राधिका जी के अंदर वो शक्ति, गौलो की शक्ति जो बेहद से आई थी, वो शक्ति भी राधिका जी के अंदर चली गई, राधिका जी के अंदर। अबे सिर्फ कितनी शक्ति रही अंदर, एक विष्णु भगवान के जीव की एक वैकुंठ वाली शक्ति रही। तो जरासंघ को पता लगा कि कंस को, जरासंघ को पता लगा कि राक्षस में कंस को मार दिया है, तो जरासंघ ने पूरी मथुरा को घेर लिया, क्योंकि चढ़ाई की आक्रमण किया, फिर आक्रमण किया सुंदरसा जी, तो विष्णु भगवान को अंदर से भय पैदा हुआ, डर हुआ कि अबे मैं कैसे लड़ूंगा उसके सामने, प्रहार कैसे करूंगा। तो वैकुंठ से उसने शंख चक्र गद्य और पद्म 4 शस्त्र मंगवाए, जो मैंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया था, ज्ञान का प्रतीक, संगठन का प्रतीक, और शक्ति का प्रतीक, और ऐश्वर्य का प्रतीक। वो शक्ति आई और विष्णु भगवान ने क्या किया, तो मथुरा को छोड़कर, जरासंघ की राजधानी थी, 5 पांडवों में से अर्जुन और भीम को लेकर, सुंदर सा जी जो जरासंघ की राजधानी है वहाँ गए, और भीम के द्वारा जरासंघ को मारा गया। और उसके बाद जो मैंने पहले भी छोड़ा था कि देवकी वसुदेव ने जो गर्भ से जन्म दिया था कृष्ण के नाम के तन को, तभी नाम था वासुदेव जेल में, लेकिन यहाँ गर्गाचार्य ने जो नाम रखा गोकुल में आके, कृष्ण रखा ने, वहाँ वासुदेव रखा था राशि नक्षत्र के आधार पर, यहाँ कृष्ण रखा गया। तो सुंदर साथ जी, कृष्ण क्यों रखा गया ये प्रमाण में यहाँ जोड़ देती हूँ। कृष्ण इसलिए रखा गया, पुराण संहिता में बताया गया है कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का प्रमाण देकर, कि विष्णु भगवान हजारों साल से जो सुमेरु पर्वत पर तपश्चर्या कर रहे सुंदर साथ जी, वहां उसका ध्यान
जो लग गया सुंदर सा जी, एक बार लक्ष्मी जी ने देख लिया कि किसका ध्यान कर रहे हो, वो प्राणनाथ जी ने वाणी में भी लक्ष्मी जी के दृष्टांत करके प्रकरण में बताया है। तो वो प्रमाण वो उसका उस किसका ध्यान करे वो तभी बोल नहीं पाए थे, कौन विष्णु भगवान, तभी नहीं कह पाए कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। तभी विष्णु भगवान ने बोला था सतयुग में कि मैं जब समय आएगा द्वापर के अंतिम में, जब विष्णु भगवान की द्वारिका लीला होगी मथुरा लीला के बाद, तभी विष्णु भगवान के अंदर मेरी शक्ति होगी, कृष्ण नाम के तन में मेरी विष्णु भगवान की शक्ति होगी और रुक्ष्मणी के अंदर लक्ष्मी जी होगा, लक्ष्मी जी की शक्ति होगी तभी। और विष्णु भगवान जब विवाह शादी करने के लिए रुक्ष्मणी को जब हरण करके माधवपुर के मांडवे वहाँ शादी मंडप में लेके आएंगे और वहाँ जब उसका मंगल फेरा होगा, तब मंगल फेरा के टाइम पे जब गोपिकाएं ब्रजमंडल का जब गीत गाते गाते ब्रजमंडल का नाम लेंगे, तभी उस टाइम पे मैं ऐसे गिर जाऊंगा, ऐसे चैन करके इशारा करके मैं आपको बताऊंगा। ये तभी कृष्ण जी की बात किसने की थी, विष्णु भगवान ने तभी लक्ष्मी जी को बोला था मैं अभी बताऊंगा नहीं, इसलिए वो राशि नक्षत्र के आधार पर कृष्ण नाम रखा गया था। सुंदर साहब जी ये बात भी मैंने जोड़ दी। और जरासंघ की राजधानी में जरासंघ को तो मार दिया, लेकिन वहां गए तो शिशुपाल के साथ रुक्मया की बहन रुक्मणी की सगाई तो हो गई थी, लेकिन रुक्मणी ने पत्र लिखकर कृष्ण जी को बता दिया, जिसके अंदर विष्णु भगवान के जीव के है, कि बताया कि जल्दी से मेरे को हरण करके लेके जाओ, क्योंकि मेरे भाई रुक्मया मेरा लग्न मेरी शादी शिशुपाल के साथ करवा रहा है, तो मेरे को जल्दी से हरण करके लेके जाओ। तो कृष्ण जी रुक्मणी का हरण करके माधवपुर के मांडवे में सुंदर साजी वहाँ उसकी शादी होती है और फिर गिर जाता है चैन करके। लक्ष्मी जी अंदर बैठी है ना रुक्मणी के अंदर, विष्णु वाली शक्ति आई तो लक्ष्मी जी तो होगी। उसको बताया कि देखो मैंने चैन करके आपको बताया मैं किसका ध्यान कर रहा था। तो सुंदर साजी चैन में अक्षरातीत पार ब्रह्म का नहीं, अक्षरातीत पार ब्रह्म का नहीं, और हमारी लीला सबली के महाकारण और कारण में अखंड हुई वो भी नहीं, और उसकी प्रतिबिंब की लीला जो यहाँ हुई वो लीला अखंड कहाँ हुई, अव्याकृत के कारण और महाकारण में। उस लीला का उस कृष्ण तत्व का ध्यान विष्णु भगवान कर रहे थे। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर कृष्ण के अंदर ऐसे इतने दर्द होने लगे सुंदरसा जी, बस 3 मिनट, इतने दर्द होने लगे। फिर उसने बोला कि मेरे अंदर जो दर्द होने लगे हैं अंदर से, तो आप ऐसा करो मेरे लिए कोई चरणामृत या मिट्टी लेकर आओ। तो फिर उसने नारद जी को भेजा कि नारद जी जाओ तपस्वी ऋषि मुनियों के पास या जो भी हो संत मनुष्य अवतारों के पास, मेरे पेट में मेरे जो भी भक्त हो। तो उसने बोला नारद जी को, तो नारद जी गए तो तपस्वी ऋषि मुनियों के पास गए, भगवान अवतार के भक्त के पास गए, लेकिन किसी ने चरणामृत नहीं दिया। उसने माना कि ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी को कैसे चरणामृत दे। फिर नारद जी वापस आए, नारद जी ने बोला कि किसी ने चरणामृत नहीं दिया। फिर नारद जी ने पूछा कि आप ब्रजमंडल में राधिका या गोपिया के पास गए थे, तो बोला नहीं वहां तो नहीं गए थे। फिर नारद जी को बोला कि जाओ, नारद जी फिर गए माँ राधिका जी के पास और राधिका जी को बोला कि कृष्ण जी को बहुत अंदर से दर्द हो रहा है, जल्दी से चरणामृत दो। उसने बोला कितने लोटे कितने जल चाहिए, जल्दी से लोटे जल के भर के आओ, मेरे चरण अंगूठे दो, और चरण अंगूठे का चरणामृत ऐसे लोटी में लेकर और दिया। और निकलते निकलते टाइम पे नारद जी को बोला कि नारद जी इतना ही नहीं, मिट्टी जो नीचे पग पैर रखा तो मिट्टी नीचे चिपक जाती ना, तो मिट्टी भी थोड़ी इतनी डब्बी में दी कि जाओ वो मिट्टी उसको जहाँ दर्द हो रहा है ने वो पेट में लगाना जाओ। तो नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कौन से भक्त है, ये कौन सी आत्मा है कि उसको ऐसे मिट्टी और चरणामृत दे रही है। वो लेकर सीधे द्वारिका गए, द्वारिका जाकर कृष्ण के जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ, ये तो एक नाटक था, सिर्फ लीला थी बताई कि मेरे को बस जो देखो ठीक हो गया, और चरणामृत भी पिया। क्यों पिया, तो ब्रजमंडल में जो लीला हुई सुंदरसा जी और राधिका जी के अंदर वो शक्ति, किस शक्ति चली गई थी, गौलों की शक्ति।
जब बाका वस्त्र उतार दिए ने, जमुना जी में जीर्णा किया मथुरा में, तो बाका वस्त्र उतार दिए, जब वो उतर गए तब राज श्रृंगार का, जो एक सिंहासन वाला राजा का श्रृंगार किया, तब विष्णु की शक्ति आ गई थी। तो ये चैन करके रुक्ष्मणी को थोड़े दिन के बाद, शादी के थोड़े दिन के बाद, रुक्ष्मणी जब एक दिन शांति से दोनों बैठे थे तो उसने बताया कि आपने ऋषि मुनि अवतारों की चरण नहीं ली, चरणामृत नहीं लिए, धूली नहीं ली, राधिका जी के अंदर ऐसी कैसी शक्ति है कि उसकी मिट्टी उसका चरणामृत लिया। तभी उसने बताया कि जिस जो मेरा आराध्य है कृष्ण तत्व बेहद में, उसकी अर्धांगिनी राधा जी है, इसलिए मैं उसका चरणामृत और प्रसाद लिया, उसकी मिट्टी मैंने ये पेट पर लगाई, तो ये मेरे आराध्य है। तो सुंदर सा जी देखो, यहाँ के योगेश्वर श्री कृष्ण के मानने वाले आज कई लोग हैं, गीता को मानने वाले कई आज आत्माएं हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसके अंदर कौन कौन सी शक्ति है। और योगेश्वर ने जो 18 अध्याय 700 श्लोकों में जो गीता योगेश्वर ने उसमें की, ये धाम धनी ने प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से समझाया कि कौन कौन सी शक्ति कहाँ से आई। ये हमारे आराध्य, ये कृष्ण तत्व की लीला अखंड हुई, वो हमारे आराध्य नहीं है, तो योगेश्वर के आराध्य अखंड पुष्टि मार्ग के जो गोलों की शक्ति की लीला हुई वो उसके आराध्य है, और उसके आराध्य हमारी जो लीला हुई वो है, और हमारे पति कौन है, अक्षरा तीत है सुंदर साथ जी। तो इतनी लीला होने के बाद ये तिधा लीला हम अंतिम में जोड़ देंगे। 11 साल और 52 दिन की जो पहले ऐसे कालमाए के ब्रजमंडल में लीला हुई, ये हमारी ब्रह्मात्माओं परमधाम की आत्माओं के साथ हुई, और 11 दिन की यहाँ प्रतिबिंब की लीला हुई। सुंदरसा जी ऐसे तो उद्धव आए संदेश लेकर, बहुत लीला हुई, यहाँ की सब लीला है योगेश्वर श्री कृष्ण जी के साथ घटने वाली लीला है। तो ऐसी 11 साल की यहाँ गोलों की शक्ति की लीला हुई, और उसके बाद 112 साल की मथुरा और द्वारिकी का लीला हुई, ये त्रिधा लीला उसको बोलते हैं। ये लीला सुंदरसा जी आज हमने 7वें दिन में पूर्ण करके, कल हमारा तीसरा दिन शुरू होगा, जहाँ मोहम्मद साहेब आएंगे अरब की धरती पर राज्य के जोश और अक्षर की आत्म के साथ, और कुरान में हमारी साक्षियाँ लिखवाएंगे, वो कल हम। और यहाँ इतने बात कहकर यहाँ वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, ब्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे माना, यही ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशाना, जहां मोहम्मद आए रोशाना। बोलिए श्री प्राणनाथ, सतगुरु जियावर धाम के स्वामी श्री लालदास जी, तीनों पुरी बोल पंजे समस्त सुंदर प्रणाम।